चलिए, आज के इस परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है और मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ आप सभी का जो लोग जुड़े हैं इस विचार परिचर्चा में। आभार इसलिए व्यक्त कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा विषय है जो ना तो सीधे रूप में बहुत जिसे आप कहेंगे कि स्कॉलरशिप वाला या वो सीधा सीधा शास्त्रीय विषय है और ना ही ऐसा ये विषय है जिसको संस्कृत या संस्कृत के जो मित्र हैं या संस्कृत के प्रति सद्भाव रखने वाले लोग हैं वो इसको छेड़ेंगे। और इस विषय को अपनी दृष्टि से मैं स्पष्ट करने से पूर्व मैं ये भी बात आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा कि ये जो प्लेटफॉर्म और ये जो विषय हमने आज चुना है ये कोई ऐसा विषय नहीं है जहां पर हमने कोई सरकार से हमारी कंप्लेंट्स क्या हैं, हमें प्रिंसिपल से कंप्लेंट क्या है, इंस्टीट्यूशन से कंप्लेंट क्या है, समाज क्या कर रहा है, ये उस तरह का विषय नहीं। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, रखना पड़ेगा भी और रखना चाहिए भी कि यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो भूमिका के ऊपर है कि मेरी या मेरे जैसे अन्य जितने भी हमारे साथी हैं और संस्कृतज्ञ कहने से मेरा अभिप्राय जो है वो केवल यही नहीं है जो शास्त्रों को जानने वाले हैं लेकिन संस्कृत के प्रति जो सद्भाव रखते हैं, निष्ठा रखते हैं, संस्कृत के विभिन्न पक्षों से जिनका परिचय है और संस्कृत के लिए वो सभी संभव प्रयत्न कर रहे हैं जिससे कि संस्कृत को प्रतिष्ठा मिले, सुप्रतिष्ठित हो, तो ऐसे ये सारे विषयों पर हम आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सफल होती है या असफल होती है ये मेरे लिए ना पहले चीजें कभी महत्वपूर्ण थी ना आज के दिन में है, लेकिन हाँ ये है कि हमारे पास इस चर्चा से संभावनाएं क्या उभर कर आती हैं या हमारी विचार दृष्टि कितनी विकसित होती है या उसे दिशा क्या मिलती है ये महत्वपूर्ण। तो इसलिए मैं इधर उधर की बात ना करते हुए विषय के ऊपर सीधा सीधा आ रहा हूं और विषय शुरू करने से पहले मैं दो प्रश्न आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, बाकी चीजें भी रखूंगा क्योंकि वो प्रश्न अभी मेरे सामने उभर कर आया है इसलिए वो मैंने स्लाइड में नहीं डाल पाया। एक तो ये है कि हम संस्कृतज्ञ होने का अर्थ क्या समझते हैं, उसका अभिप्राय या उसका तात्पर्य क्या है, एक तो ये प्रश्न हम जरूर पकड़ें। यानी कि अगर इस तरह से भी कहें कि एक जो पिल्लर है आज की चर्चा का एक तरफ पिल्लर तो ये रहे कि संस्कृतज्ञ होने से क्या अभिप्राय है, क्या शास्त्रीय ज्ञान होना, बहुत सारे श्लोकों को मंत्रों को हम स्मरण कर सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं, शास्त्र ज्ञान होना, क्या ये संस्कृतज्ञ की परिभाषा है या संस्कृतज्ञ होने का अर्थ ये है कि हम मात्र क्योंकि अध्यापन करते हैं, अध्यापन कार्य करते हैं इसलिए हम संस्कृतज्ञ हैं, या और जो भी आपके मन मस्तिष्क में जो भी विचार आता हो उसको हम जरूर मैं आप लोगों की टिप्पणी चाहूंगा। दूसरा पक्ष जो दूसरा प्रश्न मेरे सामने आया है वो है कि संस्कृतज्ञों के लिए जो औचित्यपूर्ण कर्म है वो क्या है इस वक्त, औचित्य क्या है इस वक्त, औचित्यपूर्ण कर्म कौन सा होगा या सही कर्म जिसे हम कहते हैं जिसे आज हम परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। तो ये तो दो प्रश्न अभी मेरे मस्तिष्क में आए थे ध्यान में, तो मैंने कहा साझा कर लूं नहीं तो फिर वो ध्यान से निकल जाएंगे। चलिए सीधे सीधे विषय की ओर आते हैं आप सभी का स्वागत करते हुए। आप स्लाइड में देख रहे हैं नीचे एक इक्वेशन मैंने लिखी हुई है कि जब हम संस्कृत की बात करते हैं आज के युग में तो उसमें तीन पक्ष मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। एक है संगतता का पक्ष कि जो कुछ हम जानते हैं वो संगत कितना है, रेलेवेंट कितना है। दूसरा है वो जितना कुछ हम जानते हैं उसकी औचित्य या उपयोगिता, यूटिलिटी क्या है। और तीसरा है कि जो कुछ हम जानते हैं क्या समाज में उसकी मांग है। मैं इसको मार्केट के साथ नहीं जोड़ रहा, आप समाज के साथ, क्या समाज की जिस तरह की अपेक्षाएं हैं क्या उस तरह की समाज हमारे से वो मांग रहा है कि नहीं मांग रहा। तो इन तीन दृष्टियों से हम संस्कृतज्ञ की भूमिका निर्धारित करने का प्रयास करेंगे। और नीचे जो आधुनिकता शब्द आप देख रहे हैं वो ये स्पष्ट करता है
कि इसको जब तक इन तीनों चीजों को आप इससे डिवाइड नहीं करेंगे, तब तक आप आधुनिकता, जिसे हम वर्तमान कालिकता कह रहे हैं, आधुनिकता कह लीजिए, और उस आधुनिकता को मैं आगे चल के आप लोगों के साथ कभी शेयर भी करूंगा, तो उसको भी हम समझने का प्रयास करें। तो ये तीन पक्ष ध्यान में रखेंगे और फिर उसके बाद हम चर्चा की ओर अग्रसर होंगे। इस स्लाइड को जब आप देखते हैं तो दो पक्ष इसमें एक मैंने रखे हैं कि एक है अथातो संस्कृत ज्ञानम दशा, कि हमारी दशा क्या है, कॉलेजेस में पर्टिकुलरली या स्कूल्स में या यूनिवर्सिटीज में, और अथातो संस्कृत ज्ञानम दिशा, कि हमारी दिशा क्या है। मैं इसके ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाहता, लेकिन इन दो पक्षों के बीच में, इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जब आप देखते हैं छात्रों की संख्या क्या है, सैद्धांतिक उपयोग और प्रयोग की स्थिति हमारी क्या है, कि जो कुछ हम पढ़ते पढ़ाते हैं, और फिर उसकी बाजार मांग क्या है, उन सब के बीच में हमें अपनी भूमिका निश्चित करनी है। तीसरा पक्ष मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहता हूं, और फिर उसके बाद और दो तीन बातें रखूंगा, और फिर आप लोगों की टिप्पणी और आलोचनात्मक विचार, समर्थन की कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन आलोचनात्मक चिंतन की ओर हम अग्रसर हों। सबसे पहले है कि वयम संस्कृता अनुरागिणः स्वात्मार्थे कीतृग विधम भावी जीवनोत्कर्षम भाव्या, कि किस तरह का जीवन हम चाहते हैं, किस चीज को हम चाहते हैं कि भविष्य कैसा हो। तो प्री कोरोना टाइम्स में और पोस्ट कोरोना टाइम्स में ये प्रश्न हमें पकड़ना होगा। जैसे अंग्रेजी में व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर डू वी वांट, आप अंग्रेजी में पढ़ लीजिए, संस्कृत में तो मैं पढ़ दूंगा, क्योंकि हमारे साथ कुछ जो सीधे सीधे संस्कृत से संबंधित नहीं लोग हैं, जो संस्कृत नहीं इस तरह से जानते हैं, वो भी लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए अंग्रेजी जो है उनके लिए लिखी हुई है। दूसरा है कम अर्थम पालयितुम रक्षितुम वा वयम बद्धादरा, कमर्थम कस्य अर्थे कति काल पर्यंतम रक्षणाय वयम दृढ़ व्रता वर्ता महे, कि हम बचाना क्या चाहते हैं, किस को बचा करके रक्षा, किसकी रक्षा करना चाहते हैं, और किसके लिए, और कितनी देर हम कर पाएंगे, जैसी परिस्थितियां हमारे चारों ओर हैं उन सब के बीच में हम कितनी देर इन चीजों को बचा पाएंगे। तीसरा प्रश्न, अस्माकं विचार प्रवणतया वर्तमान काल वर्तिना याथार्थेन सह कीदृश संबंध तत्प्राप्तौ च कियती चास्माकं योग्यता क्षमता वा, क्या कितनी कैसी योग्यता है हमारी उन सब चीजों को बचा के रखने में, और या यूं कह लीजिए कि जो हमारी रियलिटी है, जो हमारा यथार्थ है, और जो हमारी क्षमताएं हैं, उन दोनों के बीच में तालमेल कैसे बैठे इस कोरोना और पोस्ट कोरोना टाइम्स में। और चौथा जो अंतिम प्रश्न है कि अस्माकं विवेक प्रति संवेदनाया अद्यतनी शिक्षा किम किम साधयितुं शक्नुमः, कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है और जो हमारा विचार करने का तरीका है, उसमें तालमेल कहाँ है। आपकी सारी शिक्षा पद्धति नैक के ऊपर आधारित है, कहीं पर भी वो ये नहीं कहती कि आप कितने ईमानदार हैं, आपने कितनी पुस्तकें पढ़ी, आपके चर्चा का ज्ञान का स्तर क्या है, कोई मूल्यांकित नहीं करता। पेपर छापने से या सेमिनार्स अटेंड करने से कोई सिद्ध नहीं होता है कि हमारे व्यवहार में कोई बहुत क्वालिटेटिव फर्क पड़ गया। ये चार प्रश्न मूल प्रश्न आज की चर्चा के रहेंगे कोरोना। अब वही बात मैं आप लोगों के साथ दो स्लाइड्स में शेयर करना चाहूंगा, और उसके बाद हम खुली चर्चा आरंभ करेंगे, खुला सत्र आरंभ करेंगे। आधुनिकता, जो जब प्रश्न उठता है तो आधुनिकता दो तरह की मेरे सामने आती है, एक पुरानी आधुनिकता और एक है नवीन आधुनिकता। पुरानी आधुनिकता को यूं समझ लीजिए कि जैसे प्री पार्टीशन टाइम्स है, प्री इंडिपेंडेंस टाइम्स है, जब हम मूल्य आधारित आधुनिकता की बात करते थे, हम कहते थे कि भाई ये परिवर्तन आ जाए और हम देश को ये बना दें और देश के ये स्वतंत्रता प्राप्त कर लें आदि आदि, वो मूल्य थे। लेकिन जो नई आधुनिकता उत्पन्न हुई है, जो उद्योग और टेक्नोलॉजी के माध्यम से और बाकी और भी क्रांतियां, सूचना क्रांति आदि जो हुए हैं, उनसे मूल्यों के प्रति मोह भंग की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आज हम जिस स्थिति में घूम रहे हैं, जिस स्थिति का हम संस्कृतज्ञ जो मुकाबला करने जा रहे हैं, ये जो उनके सामने चुनौती है, वो यही है कि मूल्यों के प्रति मोह भंग है। हम उन्हें मूल्य देना चाह रहे हैं और मूल्य चाहता कोई नहीं है।
जो जैसा जीवन जीना चाहता है स्वतंत्रता के नाम पे वैसा चाह रहा है, ना कि वो मूल्य आपसे चाह रहा है। अब ऐसी स्थिति में आपके सामने मैं तीन चार प्रकार के संस्कृतज्ञों की बात करना चाहता हूं और फिर हम जो है चर्चा आरंभ करेंगे। पहली है, मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि नहीं तो मैं भी थोड़ा सा कहीं इधर उधर ना हो जाऊं, बिखर ना जाऊं, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़िए साथ में। संस्कृतज्ञों की भूमिका के संदर्भ में प्रथम संक्रांति काल वह था जब संशय या संदेह से अनेकांतवाद, अनात्मवाद और आत्मवाद आविर्भूत हुए। एक संस्कृतज्ञ वो थे जो बौद्ध जैन काल के हैं और उनकी परंपरा बड़ी देर तक चलती रही है। ये उस संदर्भ में एक संस्कृतज्ञ मेरी दृष्टि में आते हैं। संस्कृतज्ञों की भूमिका का दूसरा संक्रांति काल मुस्लिम आक्रांताओं के आने पर आरंभ हुआ और जिसमें संस्कृतज्ञ पड़ती हुई मार में अपने जीवन जीने का आधार भक्ति में खोजने लग गया। वो चाहे आपने रामचरित मानस लिख दिया, चाहे अन्य भक्ति संत साहित्य चला गया, वो सब जगह दीनता में चला गया। मुख्य धारा जो है वो दीनता की धारा है, चाहे इसको आप भक्ति धारा के साथ जोड़ लें, ज्ञान, जो भी आप कहना चाहें वो आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो दैन्यता में चला गया। संस्कृतज्ञों की भूमिका का तीसरा संक्रांति काल कौन सा है? स्वतंत्रता पूर्व समाज सुधार आंदोलनों में आरंभ हुआ। ये वही जो मैं अभी आधुनिकता की, पुरानी आधुनिकता की बात कर रहा था। सती प्रथा और जाति प्रथा के विरोध में और शिक्षा के समर्थन में लोग आगे आने लगे थे, संस्कृतज्ञ आगे आने लगे थे। तब वह पुराना संस्कृतज्ञ आधुनिक होने का प्रयत्न कर रहा था। आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे संस्कृतज्ञों के हमें उदाहरण दिखाई देते हैं जिन्होंने अंग्रेजी भी साथ पढ़ी और संस्कृतज्ञ भी रहे, शास्त्र ज्ञान भी उतना ही अच्छा रहा, बल्कि ये वो संस्कृतज्ञ हैं जिन्होंने अंग्रेजों को पढ़ाया। तो ऐसे लोग, और उसमें बहुत सारे लोगों को आप जानते समझते हैं, अरविंद, महर्षि अरविंद ले लीजिए या बाकी सारे, कोई भी ले लीजिए आप। सामाजिक सुधार के आंदोलन के सूत्रधार मूल रूप में संस्कृतज्ञ ही थे। इस बात का हम लोगों ने कभी क्रेडिट लिया ही नहीं, लेना चाहिए। जब हम कम्युनिस्टों के साथ, सेकुलरिस्टों के साथ बातचीत करते हैं तो हमें ये चाहिए कि हम उनको उनकी चुनौती को, वो जो जिस तरह के हमें एक चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ह्यूमिलेट करने की कोशिश करते हैं, तो हम उस वक्त इन दृष्टियों से हम उनका उनको प्रत्युत्तर दें। सामाजिक सुधार वाले संस्कृतज्ञों की इस प्रथम कोटि की इस धारा के साथ संस्कृत साहित्यकारों की एक और धारा दृष्टिगोचर होती है, वह है स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों। इस चीज के ऊपर हम लोगों ने कभी कभी बात नहीं की, कभी एक्नॉलेज नहीं किया। जैसे बंकिम चंद्र चैटर्जी आदि अपने संस्कृतज्ञ होने का प्रमाण वंदे मातरम के रूप में दे गए, कभी हमने एक्नॉलेज किया संस्कृत वालों में कि भाई बंकिम चंद्र चैटर्जी जिन्हें ऋषि कहा जाता है वो संस्कृतज्ञ थे। उधर महाराष्ट्र में से कितने लोग लोकमान्य तिलक जैसे उठ करके जो आ रहे हैं वो सारे के सारे संस्कृतज्ञ हैं, लेकिन संस्कृतज्ञों ने उनको कभी इस तरह से एक्नॉलेज किया ही नहीं, अपने में स्वीकार ही नहीं किया। और मुझे तो ये भी लगता है, मैं चाहूंगा कि कभी, और बड़ी तकलीफ के साथ ये बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, कि स्वतंत्रता आंदोलन में संस्कृत की भूमिका पे हमने चर्चा की नहीं। पूरा स्वतंत्रता आंदोलन संस्कृत की मूल शब्दावली से, मूल भावनाओं से प्रेरित आया, लेकिन हमने कभी स्थापित किया ही नहीं। बहुत कष्ट होता है कभी कभी ऐसी चीजें जब ध्यान में आने लगती हैं। और ये अंतिम स्लाइड दिखा करके मैं चर्चा का सत्र खुला कर रहा हूं आप सभी के साथ। इनके साथ ही तीसरे प्रकार के संस्कृतज्ञ और थे जिनका उल्लेख इतिहास के पृष्ठों में नहीं मिलता। वे ऐसे संस्कृतज्ञ थे जो अपने घरों में घोर दरिद्रता और संकटों में भी साहित्य रचना करते रहे। अभावग्रस्तता भी संस्कृत और उसकी रचना धर्मिता के प्रति उन लोगों में विमुखता या अनास्था नहीं ला सकी। इन संस्कृतज्ञों ने कुछ बड़े काम नहीं किए, बड़े नारे नहीं दिए, युद्ध और हिंसा नहीं की, परंतु साहित्य रचना के व्रत का पूरा निर्वाह पूरी निष्ठा से किया। बहुत महान और श्रेष्ठ लोग ऐसे रहे हैं। कुल मिलाकर उपरोक्त प्रकार के संस्कृतज्ञों का योगदान स्वतंत्रता प्राप्ति तक बहुत स्पष्ट रूप से विचार और व्यवहार के स्तर पर दिखाई देता है। ये बात मेरी समझ में आती है। अब आइए अगला जो पक्ष है, संस्कृतज्ञों की आधुनिकता
चतुर्थ संक्रांति काल आरंभ हुआ 1947 की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, जिसमें संस्कृतज्ञों के विचार और व्यवहार की दशा और दिशा बिल्कुल अचानक एकदम बदल गई। स्वतंत्र भारत में नए आधुनिक संस्कृतज्ञों की दशा और दिशा की बात बहुत कुछ संदेहास्पद हो गई, क्योंकि जब तक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई थी तब तक तो नेताओं के पास एक लक्ष्य था, आजादी थी, स्वतंत्रता का, स्वाधीनता का। परंतु जिस दिन वह स्वाधीनता, स्वतंत्रता, आजादी मिल गई, उस दिन लक्ष्य भी समाप्त हो गए। लक्ष्य से जुड़ी सभी पारंपरिक साहित्यिक क्रियाएं अर्थहीन हो गईं और नेताओं और संस्कृतज्ञों के सामने प्रश्न उपस्थित हो गया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या करें, कैसे करें। इस प्रश्न के उत्तर का चुनाव नेहरूवादी विचारधारा ने औद्योगिकीकरण के माध्यम से नए भारत के निर्माण का किया। आनन फानन में किए गए औद्योगिक भारत के निर्माण की कल्पना ने सारे भारत के इतिहास, परंपरा, मूल्यों, विचारों और व्यवहारों में विसंगति पैदा कर दी और संस्कृतज्ञ हाशिए पे जा खड़ा हुआ। तो कुल मिलाकर के मेरी ये संस्कृतज्ञों के बारे में इतनी की मेरी समझ थी और मुझे लगा कि ये पहले एक पृष्ठभूमि के रूप में आप लोगों के साथ मुझे ये साझी करनी चाहिए, ताकि फिर अब हम ये निर्णय करें कि पिछले 70 सालों में हम लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रही है और आने वाले भविष्य में जब विज्ञान के घुटने भी टिक गए हैं, सोशियोलॉजिस्ट को, सोशल साइंटिस्ट को नहीं मार्ग पता कि वो क्या करें, कैसे समाज को दिशा दें। पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं लेकिन पता किसी को कुछ नहीं है कि क्या पॉजिटिव थिंकिंग होती है। तो ऐसी स्थिति मुझे ये लगता है कि हम संस्कृतज्ञों के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, एक मौका दे रही है कि हम नए सिरे से संस्कृत को सुप्रतिष्ठित करें, हम नए सिरे से जो है नीतियां और नीति निर्देश उनका निर्माण करें और इस समाज को और मनुष्यता को दिशा दें। तो कुल मिलाकर के मेरे सामने तो यही सारी बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। बीच में मैं कुछ और भी चीजें आपके साथ साझी करूंगा, तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, क्योंकि हम बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं इसलिए हम लोगों के लिए कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए आपस में बातचीत करने में। तो मैं स्क्रीन जो है वो सभी को इसमें शेयर कर लेता हूँ, आप सभी जो है वो मुझे, आप सभी भी एक दूसरे को देख पाएंगे और फिर हम, आप लोग माइक भी ऑन कर सकते हैं। एक सेकंड, मैं समझता हूं कि आप लोगों की स्क्रीन पे सारे लोग आ गए होंगे, आप लोग अपनी वीडियो भी ऑन कर सकते हैं और अपनी टिप्पणी, मैं समझता हूं कि कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। अनिल जी, आप कोई अपनी बात कहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे सामने स्क्रीन के ऊपर जो है वो अल्फाबेटिकली सारे लोग लगभग हैं। या राजपाल जी, या मैडम पूनम गई, या प्रोफेसर आर के गुप्ता जी, आप अपनी टिप्पणी हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? एक सेकंड, आपको अनम्यूट कर दूं मैं। हाँ जी, हाँ सर, मैं एक सामाजिक विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण नाते ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है वो बहुत ज्यादा उपयोगी है, लेकिन दुर्भाग्य से समाज विज्ञान का हिस्सा नहीं है। तो क्यों ना हम संस्कृत के और समाज विज्ञान के प्राध्यापक मिलकर इस कार्य को करें। जैसे उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ आपसे, आज कोरोना काल में भी यदि आप देखें तो अनेक मनोवैज्ञानिक समस्याएं आ रही हैं, उनका निदान कैसे है इसका आप पूरा भगवद गीता में भी देख सकते हैं। और बिल्कुल लेटेस्ट यदि मैं चलूँ, कल ही जैसे हमारा भारत चीन के बीच में संघर्ष हो रहा है, उसमें हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर भी हमें भगवद गीता में मिलता है। तो मेरा ये कहना है कि चाहे वो आप परमानेंट सस्टेनेबल की बात कर रहे हैं, जो मिलेनियम गोल्स हैं, चाहे आप नीति निर्देशक तत्वों की बात करें, जिन नीतियों की आप बात कर रहे हैं,
कि राज्य की नीतियां कैसी हों, तो उनका आधार हमारे संस्कृति में मिलता है, हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है, विशेषकर भगवद गीता में तो मिलता ही मिलता है। क्योंकि तो अन्यों के बारे में नहीं कह सकता, मेरा कोई अध्ययन नहीं है अन्य ग्रंथों पर, लेकिन मैंने एक प्राध्यापक के रूप में भी ये अनुभव किया है कि ये कमी रही हमारी, विशेषकर मेरी तो रही है कि जब मैं संविधान पढ़ा रहा हूँ उसमें हम अपनी भारतीय संस्कृति के मूल्यों को नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि वो सिलेबस में लिखा हुआ है कि आपने वहाँ तक नहीं जाना। इस तरह की जो भावना बनी है तो इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि चाहे तो वो समाज विज्ञान के विषयों के रूप में हिस्सा बन जाए, या संस्कृत विषय के हिस्सा बन जाए, या जो विद्यालयों में विभिन्न को करिकुलर एक्टिविटी होती हैं उनका हिस्सा बनाया जाए, कि ताकि हम हमारी संस्कृति और हमारी संस्कृत भाषा जो कि बड़ी ही समृद्ध है उसमें आपको सब कुछ मिलेगा और हम अपने से जुड़ेंगे। क्योंकि तो प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है, और यहाँ पर मैं ये जरूर कहना चाहूँ कि भारतीय संस्कृति तो इस समय वर्तमान में सबसे प्राचीनतम है, तो क्यों ना हम उसके प्रचार के लिए उसको समझने का प्रयास करें। और जिसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें भाषा के बंधन से निकलकर विशेषकर संस्कृत से जुड़ना भी पड़ेगा और जुड़ना चाहिए, और साथ में संस्कृत वालों को भी जो संस्कृत नहीं आती उनसे जुड़कर उनकी बातों को समझकर विषय में कार्य करें। तो संस्कृत का ही नहीं, मैं कहता हूँ कि जो समाज की आपने बात की संगतता की, प्रासंगिकता की, वो बन जाएगी। आज आप कोई समस्या ले लीजिए सर, चाहे वो पर्यावरण की समस्या हो, चाहे वो स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा कौन सा विषय है जिसके बारे में हमें संस्कृत में लिखे हुए हमारे ग्रंथों में ना मिलता हो। लेकिन दुर्भाग्य से हम वो जो क्लासों में पढ़ाते हैं उस सिलेबस तक रह जाते हैं, और सिलेबस में भी मैं समझता हूँ कि हमें इस प्रासंगिकता के दृष्टिकोण को देखते हुए आधुनिक में आवश्यकता है बदलाव की। और जिसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि हम कम से कम राज्य सरकार को भी ये निवेदन करें कि वो विशेषज्ञों की कोई कमेटी बनाए या कुछ करें कि जिससे इस कार्य को हम इस दायित्व को निभा सकें, उद्देश्य को बना सकें। इस कार्य से हमने, मेरा यहाँ पर किसी धर्म विशेष से नहीं है, मेरा अर्थ केवल इतना है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है जो कि समाज में रची बसी है उसको उनको दोबारा उनके सही अर्थों में उनको बताओ। जी डॉक्टर साहब, आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मसला ये है, राजपाल जी मैं आपकी टिप्पणी जरूर चाहूंगा इसके बाद कि डॉक्टर साहब ने जो कुछ बात कही है इस सारे विषय पर, वो तो हम सभी जानते हैं कि संस्कृत में, संस्कृत विषय में, संस्कृत शास्त्रों में ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। लेकिन मसला ये है कि संस्कृतज्ञ उनका क्या कर रहा है। सवाल तो प्रश्न तो हमारा ये है कि मैं जब संस्कृत का प्राध्यापक हूँ, संस्कृत से जो भी मेरा संबंध है, उस नाते मैं अपने कौन से दायित्व को निर्वाहित कर रहा हूँ। क्या मैं अपनी 4 क्लासेस पढ़ा करके 5.5 घंटे पूरे करके और अटेंडेंस लेके मैं कहता हूँ कि भी मेरा काम पूरा हो गया, या ये इस तरह के 4-5 मैंने कुछ एक करवा लिए, कोई एकेडमिक कर्म कर लिए, तो क्या ये पर्याप्त है मेरे लिए? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन हम लोग वो कर नहीं रहे हैं या हमें पता नहीं है कि हम क्या करें। तो ये बड़ी अजीब सी अकर्मण्यता की स्थिति है। तो मैं राजपाल जी से निवेदन करूंगा कि वो इस विषय में अपनी बात हमारे साथ शेयर करें। आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए राजपाल जी पहले। चलिए मैंने कर दिया। हाँ, मुझे ज्यादा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं सभी मित्रों को प्रणाम करता हूँ। जी जी, और चर्चा में सम्मिलित होते समय सबसे पहला मैं एक जो बात कहना चाहता हूँ कि जो संस्कृत की बात है, संस्कृत एक संस्कृतज्ञ तक ही सीमित नहीं है, संस्कृत एक जीवन शैली है। जीवन शैली के रूप में संपूर्ण समाज केवल संस्कृत जानने वाले नहीं
अपितु संपूर्ण समाज संस्कृत को स्वीकार करे, उस तत्काल में जो भी ऋषियों के द्वारा कही गई बातें हैं उनका अनुकरण करें, तो बहुत सारी समस्याओं का हम वर्तमान में समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ये बात है। विभिन्न प्रकार की बातें, सबसे पहले तो आत्मविश्वास। हमने अपना आत्मविश्वास कम से कम इस समय जो कि ये कोरोना की स्थिति बनी हुई है इसमें सर्वोपरि रखना होगा, और अपने बताए हुए शास्त्र के जो चिंतन है, जो संस्कृत की जीवन पद्धति है, उसको केवल संगोष्ठियों तक सीमित ना करके संपूर्ण समाज तक उसको कैसे पहुंचाएं, इस प्रकार की व्यवस्था मुझे लगता है कि वो परम आवश्यक है। शेष हम सब बैठे हैं, जैसा विचार आएगा वो बीच बीच में हम चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। जो भी आप में से आप लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, हम बड़े थोड़े से लोग हैं और ये बहुत अच्छी बात है, तो आप लोग अपना विचार स्वयं रख सकते हैं। बहुत औपचारिकता में मत जाइए आप, क्योंकि औपचारिकता में समय भी व्यर्थ होगा और उसका कोई ऐसा विशेष लाभ नहीं होगा। तो जिसके मन में बात आती है वो आप निसंकोच भाव से रखें, बस इतना ध्यान रखें कि ओवरलैप ना हो। यदि दूसरा बोलने लगा है तो वो क्षण भर के लिए आप रुक सकते हैं और उसके बाद बाकी चर्चा कर सकते हैं। डॉक्टर मैं कुछ कहूँ? जी मैं, हाँ जी, समस्त विद्वत परिषद को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर पूनम घई धामपुर बिजनौर में संस्कृत की प्राध्यापिका हूँ, यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर। सर मेरी जो भी बात है वो बिल्कुल व्यवहारिक तल पे है। अगर एक तरीके से कहा जाए तो इतना ज्यादा आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है कि मुझे लगता है एक अभियान के रूप में क्या संस्कृतज्ञ के दायित्व है इसके विषय में हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम ये कहते हैं कि रामादिवत वर्तितव्यम ना रावणादिवत, तो ये राम की तरह जो व्यवहार करना है ये पहले किसको करना है, ये पहले हमें करना है। और कॉलेजेस में सर जो आप दशा की बात कर रहे हैं, कॉलेजेस में मेरी बात से शायद दूसरे मित्र भी कहीं ना कहीं इस बात को मानेंगे कि कॉलेजेस में संस्कृत की जो दशा है वो अच्छी नहीं है। तो इन चीजों का, और आपने बहुत बांध दिया है तो मैं वहां पे अपनी बात नहीं कह सकती, चूंकि मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ तो सर मैंने बड़े प्रयास किए वहां हर स्तर पे अपनी बात कहने के, परंतु कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि इसके विषय में, संस्कृत के विषय में तो कोई सोच ही नहीं रहा है। हर जगह आप वेबिनार्स देख रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात हो रही है, उधर वसुधैव कुटुंबकम की बात हो रही है। क्या कारण है कि इधर नेपाल, श्रीलंका, भारत और चाइना सब एक साथ बॉर्डर पे खड़े हुए हैं? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सर इन चीजों को सिर्फ वैचारिक स्तर पर नहीं, बहुत विस्तृत कहीं ना कहीं जा करके और अपनाने की आवश्यकता, एक अभियान के रूप में हमें लेना पड़ेगा। जी ठीक कहते हैं। अब मसला यही है कि संस्कृत, ये दो पक्ष मुझे लगता है कि हमें थोड़े से दोबारा समझने चाहिए कि संस्कृत में क्या लिखा है वो एक अलग पक्ष है, संस्कृत में कौन कौन से बड़े बड़े विचार हैं वो एक अलग पक्ष है, लेकिन संस्कृत के शास्त्र पढ़े होने के नाते या संस्कृत के प्रति एक सद्भाव रखने के नाते हम किस तरह से व्यवहार करें, क्या करें। अब आपने रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, ये बात तो ठीक है, लेकिन राम की तरह मैं कैसे व्यवहार करूं? मेरी जो परिस्थितियां हैं मैं चाहता हूं राम की तरह व्यवहार करूं, लेकिन व्यवहार करते समय मैं महाभारत का पात्र बन जाता हूं। सर परोस तो यही रहे हैं सबको, हमारा काम परोसने का हो रहा है, हम तो सारी नैतिकता को परोस रहे हैं। जी मैडम यही मैं कह रहा हूँ, यही पर तो दिक्कतें आ रही हैं कि हम लीड रोल नहीं ले रहे। हम अब मैं आपके सामने एक समस्या रखता हूँ कि मोदी जी ने ये चलाया स्वच्छता अभियान, आप मुझे बताएं संस्कृतज्ञों ने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया? स्वच्छता तो संस्कृतज्ञों का विषय है, वो कितने शौच में, कितनी पवित्रता में, कितनी स्वच्छता में विश्वास रखते हैं, कितना उन्होंने पढ़ा होगा धर्मशास्त्रों में और बाकी सब चीजों में, तो
तो मुझे बताएं कि किसी एक संस्कृत में, 130 करोड़ लोगों में जितने भी संस्कृतज्ञ होंगे, किसी एक ने भी उस मोदी के स्वच्छता अभियान का कोई दर्शनी दर्शन दिया या उसकी दार्शनिक प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए कुछ कुछ तो उद्धृत किया हो, कोई पॉलिसी बनाई हो, कोई मूल्यांकन पद्धति बना दी हो कि भाई संस्कृत शास्त्रों में ये कुछ मिलता है, हम संस्कृतज्ञ इसका समर्थन करते हैं और इस तरह से इसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सोशियोलॉजिस्ट कर रहे हैं, हमने किया ही कुछ नहीं। डॉक्टर आर के गुप्ता जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, मैं इनके साथ अक्सर कुश्ती करता रहता हूँ इन विषयों के ऊपर, मैं इनसे ये आग्रह करता हूँ कि भाई मैं चाहता हूँ कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये पर्याप्त नहीं है, इसके बदले में संस्कृत का वैकल्पिक कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए। आप जिन फंडामेंटल राइट्स की प्रीएम्बल की बात करते हैं या राजनीति निर्देशकों की बात करते हैं, एज ए संस्कृतज्ञ मैं चाहता हूं कि वहां केवल धर्म अर्थ काम पुरुष वो पुरुषार्थ हो और तीन लोकेशनाएं हों, ये एक विकल्प देना चाहता हूं मैं। और जब भविष्य में हम जब करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन और धर्मशास्त्रों पर बात, तो ये मैं रखूंगा वहां पर बात। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं तो केवल आप लोगों से ये जानना चाह रहा हूं, आप लोगों के सामने मैं तो बिल्कुल एक याचक के समान खड़ा हूं कि आप लोग मुझे दिशा निर्देश दें कि क्या करना हमारे लिए उचित है और कैसे करें। जो भी आप में से कहना चाहे जी। डॉक्टर मोदी जी ने तो एक दृष्टिकोण जो है दे दिया है, समाज को दे दिया है, देश को दे दिया स्वच्छता का। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक केवल मात्र गली में झाड़ू मार करके और कूड़ा करकट उठा करके हम सफाई करना स्वच्छता करना चाहे केवल बाथरूम से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक। स्वच्छता को वो आंतरिक स्वच्छता, बाह्य स्वच्छता, सभी प्रकार की जो भी हमारे शास्त्रों में कही गई है जी, उस सभी का प्रचार प्रसार हमें समाज में करना पड़ेगा। एग्जैक्टली सर, वही 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 मेरा प्रश्न है कि क्या हमने वो किया, क्या हमने कादंबरी को ध्यान में रख करके जब वो महाश्वेता का वर्णन कर रहा है या अछूत सरोवर का वर्णन कर रहा है, उस स्वच्छता को उठा करके कभी हम मोदी के स्वच्छता अभियान के साथ हमने कभी जोड़ा? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये इसके लिए हम सरकार को या किसको दोषी क्या ठहराएं? और बहुत कुछ घट रहा है, अब कोरोना टाइम्स में है। मैं समझता हूं कि हम संस्कृतज्ञों का ये दायित्व है कि हम काउंसलिंग में काउंसलिंग हम करें, हम जितने भी संस्कृतज्ञ हैं उनको समाज में हर प्रकार के व्यक्ति की काउंसलिंग का दायित्व उनको लेना चाहिए। कम से कम 5-6 काउंसलिंग के तरीके तो हम सभी जानते हैं, चाहे आप गीता के आधार पर काउंसलिंग कर लीजिए, चाहे आप योग वशिष्ठ के आधार पर कर लीजिए, आप त्रिपुरा रहस्य के आधार पर काउंसलिंग कर लीजिए, क्या नहीं कर सकते, महाभारत के आधार पर काउंसलिंग करिए। तो कहीं हम अपने साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं नहीं जानता, हो सकता है मैं किसी आवेग में बोल रहा हूँ, अनुचित बोल रहा हूँ, लेकिन उस सबको आप क्षमा करें अपने हृदय से, लेकिन ये मुझे पीड़ा अनुभव होती है। इसीलिए जो मैंने शुरू में आप लोगों के साथ जो 3-4 शब्द रखे थे संगतता उपयोगिता के, वो इसीलिए रखे थे कि हम क्यों नहीं कर पा रहे। अब अभी पीछे हमने एक सेमिनार किया था इस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, क्या हम संस्कृतज्ञों का दायित्व तो नहीं बनता कि इस वक्त हम ये कार्य करें? कितनी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को हम हेल्प कर सकते हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बेस पे मेडिकल साइंस की हेल्प कर सकते हैं, उनके साथ बात तो करें, बात ही नहीं करते हम लोग। मेरा ये निश्चित मत है, दृढ़ मत है, मैं बिल्कुल इस बात में ताल ठोक के विश्वास करता हूं कि संस्कृत सारे ज्ञानों का केंद्र है, सारी मनुष्यता का केंद्र है। कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके साथ आप संवाद नहीं कर सकते, लेकिन क्यों नहीं कर रहे? कहां हम लोगों को किसने रोका हुआ है, हम क्यों नहीं कर पा रहे? हेलो हेलो, हाँ जी सर, हेलो, कहिए, आप अपनी बात कहें, अपना परिचय दे करके। ये ओपन हाउस है, प्लीज आप लोग कहें, निश्चिंत होके कहें, मेरे निवेदन का आप इंतजार ना करें। सर परिस्थितियां भिन्न है, हर हर स्थान पे परिस्थितियां भी भिन्न है, और सर्वप्रथम मानना मेरा ये है कि इसको बहुत शिक्षा नीति को में हमारे जो है सुधार होना चाहिए। कहीं ना कहीं इनिशियल स्टेज में सर बीए में बच्चा चला आ रहा है, मेरा बच्चा पढ़ने चला आ रहा है, मैं उसको कितना भी कन्विंस कर रही हूँ, नहीं मैडम हम तो उस समय में जा करके कंप्यूटर क्लास लेते हैं, उसके लिए प्रायोरिटी कंप्यूटर क्लास करना है, मेरा संस्कृत नहीं, जबकि मैंने उसको बहुत मोटिवेट करने की कोशिश की कि तुम
इसको पढ़ोगे तुम्हारा इससे क्या भला होना है, आगे तुम्हारे लिए क्या करने की संभावनाएं हैं। नहीं, हमको इसी समय में कंप्यूटर क्लास करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर, जब कोई एकदम 18-20 साल की उम्र में आके संस्कृत पढ़ना चाहता है तो बात नहीं बनती है। कहीं ना कहीं अगर जैसे हम कहते हैं कि संस्कृत पूरी एक जीवन पद्धति है, तो सर इनिशियल स्टेज में इसको रखना पड़ेगा, इसको शिक्षा नीति में लाना पड़ेगा, कक्षा एक से लागू करना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन में उतर पाएगी। मैं सहमत हूँ कि ये हम सरकार से अपेक्षा करें कि सरकार कर दे, सरकार संस्कृतज्ञों के लिए नौकरियां बनाए, उनको आमंत्रित करे, लेकिन हमने शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था क्या उपलब्ध कराई? 70 सालों में आप मुझे बता दें कि किसी संस्कृतज्ञ ने कोई वैकल्पिक शिक्षा पद्धति सुझाई हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अभी आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, अभी हम आप लोगों के साथ डाटा लगभग शेयर करेंगे जो कल हमने क्वेश्चनेयर डाला था। संस्कृत आयोग बना है, दूसरा आयोग बन गया है, मुझे नहीं मालूम कितने संस्कृतज्ञों को उसके विषय में पता है। उस संस्कृत आयोग ने अभी तक क्या कंट्रीब्यूट किया है, आप लोगों को कोई अंदाजा है? 70 सालों से आप वही ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, कभी उस ग्रंथों की उपयोगिता को लेकर के कभी विचार किया हम लोगों ने? एनवायरमेंट में हम लोगों को अपना दावा करना चाहिए था, हमने कभी किया? हम कहां दैन्यता में चले गए? हम अपने स्वरूप को, अपने अग्नि तत्वों को क्यों भूल गए? जी सर, एक अनुमति दे तो मैं कुछ कहना चाहूँ सर आपको। मैडम एक मिनट, ये डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी 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 बोले सर, आपकी आवाज आ रही है, कहें आप। पारस जी बीच में। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हेलो सर, मैं डॉक्टर रोहतास कुछ कहना चाहता हूँ। जी रोहतास जी, आप कहिए। सबसे पहले तो सभी साथियों को दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी बात वहां से शुरू करता हूँ। सर, पुराने मूल्य और आधुनिकता के संदर्भ में पुराने मूल्यों के प्रति मोहभंग का जो प्रश्न इस कॉन्सेप्ट में आया है जी, उसके संदर्भ में एक व्यवहारिक उदाहरण में देना चाहता हूँ कि हमने अपने मूल्यों के कद परिवार के माध्यम से या आपस में कदों को छोटा कर लिया है। उदाहरण दे, जैसे पहले संस्कृत के विद्यार्थी या आम व्यक्ति एक दूसरे को जो प्रणाम करते थे तो दंडवत प्रणाम होता था, समय के अनुसार हाथ जोड़कर प्रणाम करना आया। अब आज की शैली में अगर देखा जाए तो गर्दन हिलाकर ही, गर्दन झुकाकर ही प्रणाम कर लिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज इस कोरोना काल में हमने अपनी संस्कृत जीवन शैली को पुनः प्रयोग करना होगा, क्योंकि आज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो चुकी है। देखिए, एक छोटा सी और बात मैं कहना चाहूंगा इसमें, कोरोना काल में जानने के बाद भी हमने संस्कृत शैली को अपनाना होगा, क्योंकि संस्कृत शैली में ही हमारी संस्कृति है और संस्कृति में ही हमारे संस्कार हैं और संस्कारों में हमारा खान पान रहन सहन पालन पोषण। इसी के माध्यम से हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को सुदृढ़ कर सकते हैं। जैसे आपने अपनी मतवाली संस्कृतिकों की भूमिका के अंतर्गत आपने स्वतंत्रता काल का जो उदाहरण दिए, जो मुस्लिम आक्रांताओं का उदाहरण दिया, जो आपने संदेह के माध्यम से वो भूमिका बताई सर, उसका तात्पर्य इन बातों से निकल कर आता है, अगर हम अपना पालन पोषण अपनी संस्कृति के अनुसार कर लें तो ये कोरोना आता ही नहीं। कोरोना से बचने के लिए भी हमने अपने पालन पोषण और रहन सहन के बीच रहना और उसको अपनाना होगा। अगर आज आज हर आदमी जो सुझाव कोरोना काल के आ रहे हैं कि कैसे इसे बचा जाए, हम अपनी संस्कृत शैली की पुरानी पद्धतियों को अपनाते हुए अपने जीवन को बचाने के लिए मजबूर हो चुके हैं जी। आगे भी इसी रूप में हमें संस्कृत शैली को बचाकर चलना होगा और संस्कृत शैली को अपनाना होगा। संस्कृत में ही संस्कृति है, संस्कृति में ही संस्कार है और संस्कारों में ही जीवन है सर, मेरा इतना ही कहना सर। थैंक यू। धन्यवाद रोहतास जी, बात आपकी ठीक है, लेकिन प्रश्न थोड़ा सा और हम इसको विकसित करते हैं। चलिए और किसी का कुछ टिप्पणी लेते हैं। आप लोग कृपया संकोच ना करें, मैं समझ सकता हूं कि हम सभी के लिए ये थोड़ा सा कठिन है क्योंकि इन चीजों के हम इस तरह से अभ्यस्त नहीं है,
चर्चाओं के अभ्यस्त नहीं है कि आए लेक्चर सुना और चले गए और ये आप लोगों के लिए सभी के लिए थोड़े सा एक अलग सा अनुभव रहेगा कि यहाँ पर सीधी एक बातचीत है आपस में और ये मौका है तो इसको गंवाए नहीं। कृपया समय के हिसाब से आप अपनी बात हमारे साथ शेयर करें, जो भी रखना चाहें। सर आपने आपने बांध दिया है तो उस पहलू को मैं छू के निकल रही हूँ जिस विषय पे आपने ना किया है बात करने को। जी जी एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी कि एक अभी रिटायर हुई है मैडम और लखनऊ के एक कॉलेज में, चूंकि मैं भी चाहती थी कि मैं ट्रांसफर ले लूं वहां पर, वहां से संस्कृत को हटा दिया जाता है सर। वहां का जो मैनेजमेंट है वो संस्कृत को बिल्कुल हटा देता है और वो भी मैं भी और लोग भी मिलकर के उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं कि संस्कृत विषय को वहां से क्यों हटाया गया। और सर मिनिस्ट्री तक अपनी बात पहुंचाई जाती है लेकिन आज की स्थिति में भी वहां पे कोई कार्यवाही नहीं हो सकी, उल्टा उन मैडम के खिलाफ जो है कार्यवाही शुरू हो गया। ऐसी स्थिति में इंसान पिट कर जाता है। हाँ, ये मैं बहुत एक छोटा सा व्यवहारिक उदाहरण आपको बता रही हूँ। सर मैंने लड़ाई लड़ी है, मैंने बोर्ड ऑफ स्टडीज में जा करके 3 बार ये बात कही है कि इस आमूल चूल इसका परिवर्तन करिए, ये विषय इस तरीके से रोचक नहीं है बच्चों के लिए, ना ये जीविकोपार्जन का साधन है। सर जो भी आता है वो आकर के एक पेपर आगे कर देता है, मैडम साइन कर दीजिए, हो गई बोर्ड ऑफ स्टडीज की। कैसे किया इन, मैं इन सब चीजों को मैंने बहुत करीब से देखा है और चलिए वो मेरा ठीक है, ये बात ठीक है और ये कठिनाइयां हमारे पास हैं। कोई प्रिंसिपल आपका समर्थन नहीं करने वाला, आप रिटायर होते हैं तो आपकी पोस्ट को कर देंगे, आप अगर पैसे ला के दे सकते हैं कॉलेज को तो वो थोड़ा सा आपका ठीक है पीठ थपथपा देंगे, लेकिन जब एडमिशन का टाइम आएगा तो कोई आपको पूछने नहीं आएगा। और अगर आप जबरदस्ती भी लेंगे तो यही दृष्टिकोण समाज का है आज के दिन। जी हमारा भी संस्कृत वालों का सम्मान समाज तभी करेगा जब हम उनको कुछ उपादेयता दे, उनको बताएं कि हम आपके लिए ये करेंगे, ये कर सकते हैं। बिल्कुल कौशिक जी, बिल्कुल ठीक कहा है आपने, मेरे हृदय की बात कही है। जब तक हम उपयोगितापूर्ण नहीं होंगे, बिल्कुल अपने को संकत नहीं बनाएंगे तो ये स्थितियां तो रहेंगी। अब यही बात है कि अब हमारे पास मौका है, कोरोना के बाद हमारे पास पूरे एक संभावना विद्यमान है, जैसे 1947 के बाद थी लेकिन संस्कृतज्ञों ने नहीं किया। अब कोरोना के बाद हमारे लिए पूरी परिस्थिति तैयार है कि हम उसमें निर्णायक भूमिका निभाएं, लेकिन निर्णायक निभाने के लिए हमें विचार करना होगा। पहले हम स्वयं तो शास्त्र चिंतन करें। जी शास्त्र तभी देंगे। जी जी यही यही और क्वालिटी यदि हम किसी भी चीज की देते हैं, चाहे वो जंगल में बेच के बैठ करके बेच दीजिएगा, बाजार में बेच दीजिएगा, वही बिकेगी। जी लेकिन क्वालिटी तो हो। जी क्वालिटी हो और रेलिवेंट क्वालिटी अपेक्षित, बिल्कुल रेलिवेंट। जी अब समाज को छूने वाले भी हो। हाँ जी, और कोई अपनी बात हमारे साथ शेयर करना चाहे? मैडम राजेंद्र अगर आप हुए हैं तो, या प्रदीप शर्मा जी। यस प्लीज सर। सर प्रणाम। हाँ जी हाँ जी डॉक्टर प्लीज गो अहेड। ऐसा है कि संस्कृतज्ञों की कोरोना से पूर्व जो कुछ गतिविधियां हुई है, ऐसा नहीं है कि संस्कृतज्ञों ने कम काम किया है, संस्कृतज्ञ काम कर रहे हैं। जो भी अध्यापक है, चाहे जिस कोई समाज सेवक है, संस्कृत का सेवक है, वो अपने स्तर पे काम कर रहा है, जिस भी स्तर में। सरकार का भी इसमें योगदान है ही, वो स्वीकार कर रहे हैं। कुछ कुछ क्षेत्रों में ऐसा हुआ है जहाँ पे बहिष्कार किया गया था संस्कृत का, उसको पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया, उसमें भी शायद हम लोगों की ही कुछ त्रुटियां रही हो कि संस्कृतज्ञ ने उतना उसका प्रचार नहीं किया है, समझा नहीं पाए है, क्षेत्र उद्योगों के अवसर समाज में नहीं मिल पाए हो, जिसके कारण दूसरे फील्डों में छात्र जा रहे हैं पढ़ने के लिए, संस्कृत के प्रति कम रुचि उनकी हो रही है। लेकिन उसमें विशेष कारण, जैसे अभी कोरोना महामारी में आप भी इस विषय में चर्चा कर ही रहे हैं, एक संस्कृतज्ञ को स्वयं अपने आप को भी डेवलप करना पड़ेगा। जैसे अभी वर्तमान काल है तो तकनीकी के माध्यम से हम कितना दे पा रहे हैं,
सभी सभी नहीं दे पा रहे, कुछ लोग ही है जो अपना योगदान दे पा रहे हैं, लेकिन सभी इससे अभी अछूते हैं। तो कैसे हम आगे संस्कृत छात्रों की अभिवृद्धि करेंगे, कैसे हम संस्कृत को आगे बढ़ाएंगे, ये हमें अभी और सोचने के लिए विवश कर दिया है कोरोना ने भी। तो अभी हमारा ये दायित्व बनता है कि हम समाज में जन जागृति लाए कि अभी भले ही हमारी संस्कृति में संस्कार इत्यादि है, ये सब जानते हैं कि संस्कार है, अभी सब वापस लौट रहे हैं गांव की तरफ, संस्कृति की तरफ अब दौड़ रहे हैं, सभी जा रहे हैं, लेकिन हमारी संस्कृत के छात्रों की संख्या तो अब न्यून होती जा रही है, दिख रही है। हमें अब क्या करना है, कैसे उनको आकर्षित करना है, ऑनलाइन कोर्सेज डेवलप करने हैं, कैसे उनके अंदर की भीती को हटाना है कि यहाँ रोजगार के अवसर नहीं है, कम है, ये हमें जन जागृति लानी होगी ताकि संस्कृत की अभिवृद्धि हो, ऐसा मेरा मत है। जी आप बहुत उचित है, ठीक है कि ये प्रयास भी करने होंगे संस्कृतज्ञ को, लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरा पक्ष है कि जो हमें सामाजिक तौर पे या आर्थिक तौर पे जो हमें नीतियां देनी चाहिए थी, जो हमें कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, मनोवैज्ञानिक स्तर पे जो हमें कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए था वो हमने नहीं किया है और वो अपेक्षित है, उसको हम निश्चित करें कि हमारी भूमिका क्या होगी। ये तो एक कार्य है ही है, ये तो हर कॉलेज में बैठे हर टीचर को ये करना ही है कि अपने लिए बच्चे भी इकट्ठे करने हैं और अपना अस्तित्व भी बचाना है, ये तो एक पक्ष है ही है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो विषय है वो व्यापक है। जी पीयूष जी आप कुछ कहना चाहते हैं? पीयूष जी आप नमस्कार सर। हाँ जी, हाँ जी नमस्कार। सबसे बड़ी विडंबना तो यही है सर, जो संस्कृत मीडिया है वही अपने बच्चों को संस्कृत नहीं पढ़ाना चाहते, इस परिप्रेक्ष्य में क्या किया जा सकता है सर? इस परिप्रेक्ष्य में ये तो आप सभी जितने 75 लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं ये प्रश्न ओपन है और उसके लिए किया ये जाना चाहिए, जो डॉक्टर कौशिक जी ने भी ये बात कही है कि जब तक आप उसको उपादेय नहीं बनाएंगे, यूटिलिटी के एंगल से नहीं लाएंगे, उसको रेलेवेंट नहीं बनाएंगे तो उसको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, कोई पढ़ना ही नहीं चाहेगा बच्चा, क्योंकि क्रिश्चियन बैकग्राउंड से जो बच्चे पढ़कर आ रहे हैं, आप देखिए कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे कहाँ संस्कृत पढ़ते हैं, पब्लिक स्कूलों के बच्चे कहाँ संस्कृत पढ़ते हैं, मैं नाम क्या लूँ ऐसे पब्लिक स्कूल का जो कि सनातन धर्म डीएवी पब्लिक स्कूल है, वहाँ संस्कृत की स्थिति क्या है? जी कौशिक जी, डॉक्टर साहब आपने आज इस संगोष्ठी के माध्यम से बीजारोपण कर दिया है जी, अब इसको अंकुरित करना है आपके नेतृत्व में, हम अगली संगोष्ठी करें, हम अपना अपना व्यूज शास्त्र से छाट करके लेकर के आए कि हम समाज को ये देंगे जी, चाहिए बिल्कुल बिल्कुल इसी दिशा की ओर आना चाहता हूँ, बिल्कुल इसी दिशा की ओर आना चाहता हूँ कि मैं मनोविज्ञान को ये कंट्रीब्यूट करूंगा, मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को संस्कृतज्ञ होने के नाते ये कंट्रीब्यूट करूंगा, स्वच्छता अभियान में मैं ये कंट्रीब्यूट करूंगा, शास्त्रीय शास्त्र को नहीं छोड़ना। देखिये मेरा अपना ये मानना है, मैं अपनी तरह से चलने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन शास्त्र कहीं पर भी नहीं छोड़ना, आधुनिकता की मैं देखता जरूर हूँ लेकिन शास्त्र के आधार पे, मैं कभी भी ऐसा नहीं है कि शास्त्र को त्याग दूं, ऐसा नहीं, वो कुछ भी हो जाए, वो चाहे दलितों के साथ मुझे बात करनी हो मैं शास्त्र के आधार पे करूंगा, कुछ भी करना हो, कम्युनिस्ट के साथ बात करनी हो, सेक्युलिस्ट के साथ, मुझे कभी कोई कठिनाई नहीं हुई, इवन एक सिर्फ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को छोड़ करके कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसके साथ मैंने संस्कृत शास्त्र के आधार पे चर्चा ना की हो, कुछ विचार चर्चा ना हुई, वो सारे डिपार्टमेंट सारे 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 डिपार्टमेंट सब हमारे ही तो हैं जी, हमारे ही हैं बिल्कुल, ये मेरे लिए समझना आसान है लेकिन उन तक बात पहुंचाना भी तो मेरा दायित्व है कि बिल्कुल अभी आने वाले जो विषय हैं जो मैं चाहूंगा आप लोगों का सहयोग मिले, तो संख्या ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल संख्या में मेरी नहीं है, ये बिल्कुल सर विचार करके इसका शोर ना हो कृपया ध्यान रखिए। देखिए मेरी इस बात में कोई रुचि नहीं है कि संख्या कितनी होती है, लेकिन इस बात में मेरी जरूर रुचि है कि क्या फिजिक्स और संस्कृत के टीचर पंच महाभूतों पे बात कर सकते हैं, क्या जूलॉजी और बॉटनी के लोग चेतना के आधार
चेतना को विषय बना करके संस्कृत के बात कर सकते हैं क्या? पंचतंत्र को ध्यान में रखते हुए हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो आजकल चल रहा है उसके ऊपर कुछ चर्चा कर सकते हैं? कुछ जरूरी थोड़ी हमने कोई समाधान दे देने हैं। क्या हम पुराण को लेकर के क्या हम बिजनेस कैसे चलता है क्या कभी इसके ऊपर बात कर सकते हैं? आप ये देखिए ना, मैं अगर चाहूं कि बिजनेस मॉडल क्या होना चाहिए, मैं तो संस्कृतज्ञ होने के नाते मैं कहूंगा कि देखो मैं उस मॉडल को बिजनेस वालों के लिए कहां से लेकर आऊंगा, अपने पुराणों से लेकर आऊंगा। कैसे लेकर आऊंगा? क्योंकि भाई वहां पर क्या होता था कि आप दर्शन देवता का दर्शन करने जाते थे, कस्टमर इज ए देवता, आप उसके लिए क्या लेके जा रहे हैं, भोग लेके जा रहे हैं। भोग जब आप उसको देते हैं और उसको संतुष्ट करते हैं तो वो आपको क्या देता है, तथास्तु। तो आपका बिजनेस का ये मॉडल है। अब जब तक मैं नहीं इन चीजों को जोड़ूंगा, अब ये क्षमता तो मुझे विकसित करनी है ना, अगर ये मैं क्षमता विकसित नहीं करता तो मैं शास्त्र के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। शास्त्र तो मुझे पकड़ना ही है, शास्त्र के बगैर मेरी गति नहीं है, लेकिन शास्त्र को आगे खोलना भी तो है, वो भी तो दायित्व मेरा है। मैं एक पक्ष को पकड़ करके तो नहीं चल सकता। तो ये चीज है, मैं चाहता हूं कि इन चीजों के ऊपर आगे बातचीत होगी। वुमेन स्टडीज हैं, आप क्यों नहीं चुनौती देते कि भी संस्कृत में जो है वो आपको लगभग 300 के करीब जो है पर्यायवाची शब्द मिलते हैं स्त्री के, जो कि उनके पास सिर्फ वुमेन और फीमेल ही रह जाता है। देना चुनौती, जब वो अपना डाटा देने लगते हैं उस वक्त आप अपना डाटा दीजिए कि भाई इनमें से बताओ तो सही ना कि ये स्त्री कौन सी है। वुमेन का अर्थ स्त्री नहीं होता है। ये मैं जहां कहीं भी गया हूं मैंने ये रखा उनके सामने पक्ष, वुमेन जो है वो बाद की प्रोडक्ट है, आफ्टर मेन। वुमेन को अगर आप देखें, उसकी पूरी क्रिश्चियन पृष्ठभूमि को देखें, तो विच कम्स आफ्टर द मेन, और अगर आप उसकी जो माइथोलॉजी उसको भी देखें तो वो उसकी जान की पसली से वो निकल रही है, उसके सुख साधन के लिए है। लेकिन स्त्री तो भाई ऐसी नहीं है, लेकिन हमने कभी कहा ही नहीं, हमने चुनौती नहीं दी। हम उनकी हाँ में हाँ मिला करके बैठ जाते हैं या वहां से बच कर आ जाते हैं। हम क्यों बचते हैं? इतिहास में इतना हमारे साथ अन्याय कर दिया है। आप एनसीईआरटी की किताबों को देखें, एनसीईआरटी की किताबों में संस्कृत को किस तरह से ब्लेम किया गया है। क्यों नहीं हम चुनौती देते कि ये सजेस्टिव का क्या मतलब है, कि जाति का अर्थ कास्ट कैसे हो सकता है, आप मुझे बताएं। कभी दी चुनौती हम में से कभी किसी ने? शास्त्रज्ञ हैं आप सभी, पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे बताएं कास्ट का अर्थ कैसे जाति हो सकता है? आप पशु जाति को तो नहीं कहते भाई कि वो पशु कास्ट है, लेकिन क्योंकि ब्राह्मण और ये वैश्य शूद्र है ये कास्ट हो गए। अब कास्ट का अर्थ कुछ और है, वो अगर आप कास्टा शब्द को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कास्टा का अर्थ क्या होता है और जाति का अर्थ क्या होता है, दोनों का तालमेल। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि क्योंकि सोशियोलॉजिस्ट कह रहा है, क्योंकि वो अंग्रेजी में बोल रहा है, कैसे हम स्वीकार कर सकते हैं? हमारा वो साहस कहां चला गया? मैं बार बार उस कश्मीर शैविज्म के सूत्र को याद करता हूं, महासाहस वृत्या स्वरूप लाभ। अरे वो साहस हमारा संस्कृतज्ञों का कहां चला गया? क्या हम बातें करते हैं, आते हैं बस जो हमें याद होता है वो तुरंत बोल के चले जाते हैं? इस तरह से नहीं चल पाएगा, हमें रुकना होगा सर। बिल्कुल, हाँ जी, नमस्कार। प्रत्येक शोध संगोष्ठी में हमें शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, और शास्त्रार्थ के बल पर जो निष्कर्ष, बिल्कुल बिल्कुल जी जी। अभी कोई बीच में और कुछ कहना चाह रहे थे, टिप्पणी करना चाह रहे थे सर? हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर? हाँ जी हाँ जी, पीयूष जी आ रही है आपकी आवाज। नरेंद्र दिल्ली से, भाई साहब के साथ पहले भी अपने कार्यक्रमों में जुड़ा रहा हूँ। मेरे पास यहाँ दिल्ली में विद्या भारती प्रांत का दायित्व है जी सर। मेरा अपना विषय भी जो है मनोविज्ञान में ऑनर्स और एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने पुरुषोत्तम जी अच्छे से सुना होगा, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, ताजमहल, तेजो महल है, अंग्रेजी, तो उन्होंने भी बहुत सारी बातों के जो जड़ में बात रखी है, या आप भी बार बार जो कह रहे हैं कि हर भाषा का जो मूल है, हर विषय का जो मूल है वो संस्कृत है।
मैं अगर संस्कृत का आचार्य हूँ तब मेरे मन में इतनी पीड़ा है, ये इसकी बजाय मेरा एक जन सामान्य के नाते इस विषय में कितनी मुझे पीड़ा होनी चाहिए। ये विषय जब हर व्यक्ति के माध्यम से आगे जाएगा तभी मुझे लग रहा है आपकी ये गोष्ठी या आपका ये प्रयास सफलता की तरफ जाएगा। तो एक तो इसको जन सामान्य तक कैसे पहुंचाना है उस दिशा में हमको विचार करना चाहिए। जी सर। अब आज विषय की आपके जो बहुत सारे विषय हैं, जैसे आपने संस्कृत से जोड़ा हमारे सभी ग्रंथों में, चाहे वो भारद्वाज मुनि जी का विमान शास्त्र की बात है या अगस्त्य संहिता के अंदर बिजली बनाने की बात है, ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे जो ग्रंथ हैं, वेद हैं, उनके अंदर जो बहुत सारा ज्ञान है, उस ज्ञान को जो ब्रिटिश काल में बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ से पुस्तकें वो ले गए और अब वहाँ के जो है बहुत सारे वो कैटलॉग में जो है ध्यान में आता है कि हमारी ही वो पुस्तकें हैं, और एक प्रकार से उसको वो डिकोड करके आज का जो सारा जो साइंस है वो उसको जो है वो हमारे सामने परोस रहे हैं। तो हमको जो है उसमें से हर विषय, चाहे आपका मैनेजमेंट की आप बार बार बात कर रहे हैं या आप केमिस्ट्री की भी आप जैसे बात कर रहे हैं, हर विषय के अंदर जो है कहीं ना कहीं संस्कृत है, और संस्कृत के तो एक एक श्लोक के अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारे जो आचार्य हैं वो या हमारे अपने परिवार हैं उनके अंदर इस भाषा का जो सरलीकरण है उसको किस तरह से हम उन तक पहुंचा सकते हैं, उसमें जो है संस्कृत के प्रति हमारी रुचि कैसे बढ़ सकती है, इसको भी हमको ध्यान में रख के कुछ कार्य करना चाहिए। और फिर अंतिम और महत्वपूर्ण बात है जो कि मैं रोजगार से इसको कैसे जोड़ूं, कि आज तक जो है किसी न किसी उसमें कैरियर की बात ढूंढता है, तो वो रोजगार से हम नहीं जोड़ पाएंगे तो कहीं ना कहीं हम जो है वो, इसीलिए हमने कई मंचों पे ये अभियान चलाया कि भाई हिंदी विषय में भी रोजगार जो है वो किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। मुझे याद है कि मेरे एक प्रोफेसर ने आज से कई वर्ष पूर्व मुझे ये कहा कि आप जो है अंग्रेजी विषय में एमए करें, क्योंकि यहाँ वो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे और उन्होंने ये कहा कि यहाँ अंग्रेजी के इतने प्रोफेसर हैं और हिंदी के इतने हैं, संस्कृत जी अभी कह ही रही थी कि संस्कृत विषय जो है खत्म करने की बात आई, उसके लिए ही फाइट करनी पड़ी और जो फाइट कर रहे हैं उन्हें उन्हीं को ही परेशान किया गया। ये हमारे देश में ऐसा हो रहा है और हमें इस अपने ही विषय के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। तो आपने संस्कृत आयोग की बात रखी है तो उसके माध्यम से ये बात पूरी जो है जिम्मेवारी के साथ पुरजोर तरीके से हमको एक अभियान के रूप में इसको लेके चलना चाहिए, मुझे लग रहा है कि ठीक है सर, मैं आपकी बात से काफी सहमत हूँ। मैं तो सिर्फ इच्छा कर रहा हूँ कि इस बात को मैंने इसलिए नहीं कहा कि संस्कृत को इस बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं कि संस्कृत एक सामान्य सी जो चालू सी भाषा है उसमें हम एक सीपिंग स्टेटमेंट देते हैं संस्कृत में सब कुछ है, निश्चित रूप से है, लेकिन मैं क्या क्या जानता हूँ उस सब कुछ के बारे में, मेरा ज्ञान कितना है ये महत्वपूर्ण है, और फिर मैं उसको प्रस्तुत कैसे करता हूँ। अब मैं बताऊँ, जैसे होम साइंस के साथ मैंने एक सेमिनार किया, उनके साथ मैंने सेमिनार किया भोजन के ऊपर कि वैदिक भोजन पद्धति क्या होती है और जो वेस्ट में जो भोजन पद्धति आप लोग जो सिखाते हैं उन दोनों में रस कैसे उत्पन्न होगा। अब रस की थ्योरी हम क्यों नहीं होम साइंस के लोगों के साथ बात करते, मैं फिजिकल एजुकेशन के साथ वैदिक गेम्स का जो है वो पूरा आयोजन करता हूँ, हर बार करता हूँ, और उसमें हम 5-6 गेम्स जो है वो केवल संस्कृत शास्त्रों के आधार पर उन गेम्स को खेलते हैं, जिसमें स्कंध युद्ध और ये जो बंदीकरण आदि आदि इस तरह की गेम्स हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन हम खोलें तो सही ना, शास्त्र तो है लेकिन अपनी प्रज्ञा भी तो चाहिए, दिक्कत यहाँ आ रही है। मुझे लगता है निर्मल कौशिक जी कुछ बात करना चाहते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। संस्कृत के माध्यम से बहुत सी मुझे जानकारी मिल रही है, संस्कृत के विकास के बारे में मैं ये बात करना चाह रहा था। जी सर। के जब हमारा कर्म कांड अब जो है खत्म होता जा रहा है इस प्रयास से,
जी सर, तो उसके लिए जब कोई पुरोहित हमारे घर में आता है, ब्राह्मण हमारे घर में आता है पूजा पाठ के लिए जी, तो जब वो स्वस्ति वाचन आदि करते हैं, पहले मंत्र पढ़ते हैं, तो उसमें हम जानने का भी प्रयास नहीं करते कि ब्राह्मण क्या कहना चाह रहा है जी। तो उसके लिए ना तो जिज्ञासा है ना उत्कंठा है, जैसा भी वो बोल जाते हैं हम स्वीकार कर लेते हैं और हम अनभिज्ञ रह जाते हैं जी। तो आज ना तो वैसे पुरोहित हैं जो दूसरों के हित के लिए काम करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं जी, केवल कर्मकांड एक व्यवसाय बनकर रह गया है जी। हमारी कमी ये रही है कि हमने संस्कृत का अध्ययन जो है वो अपने पाठ्यक्रम से हटा दिया और हमने प्रयास भी नहीं किया है कि उसको दोबारा से जो हमने कमी पहले हमारी रह गई है उसको पूरा करें और उसके लिए हम संस्कृत को पाठ्यक्रम में पुनः से सम्मिलित करने का प्रयास करें जी। सर इसमें औपचारिक ही नहीं अनौपचारिक रूप से भी संस्कृत के पठन पाठन की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए जी। मैंने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की ओर से जो अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं जी, वो पंजाब में मात्र एकमात्र फरीदकोट में वो केंद्र मैंने शुरू किया है। ओके, बहुत बढ़िया। उसमें काफी जो विद्यार्थी हैं रुचि ले रहे हैं जी। तो इस दृष्टि से अगर बाकी स्कूलों कॉलेजों में भी इस तरह के पाठ्यक्रम आरंभ किए जाएं जी, केंद्र सरकार की ओर से तो बहुत सा अच्छा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन राज्य स्तर पर भी अगर ये प्रयास सफल हो सके जी, तो इससे जैसे अभी जो वक्ता थे वो बोल रहे थे कि जन सामान्य का आंदोलन बनाने की जरूरत है इसे जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, वो करेगा तो संस्कृत ही ना, और जो संस्कृत से जुड़ा हुआ व्यक्ति है अब उसको कैसे जगाएं। बात तो मुख्य बात क्या सर, है सर, कि सर सर हमारी विडंबना ही यही है कि स्कूलों के लिए हमें अध्यापक ही नहीं मिल पा रहे हैं। सर, वो जो एक बीच में गैप आ गया ना जी जी, जो गैप है उसको पूरा करने के लिए हमें पहले संस्कृत के शिक्षक पैदा करने होंगे जी। ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, तो दूसरा है जी, लोगों को मानसिक रूप से, जन सामान्य को मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा जी। ठीक कह रहे हैं आप, संस्कृत के अध्यापन के लिए, उनको अध्ययन के लिए उनको तैयार करना पड़ेगा। इसका एकमात्र ही ये एक माध्यम है कि हम अपनी संस्कृति और संस्कारों के बारे में और संस्कृत भाषा के बारे में हम उनको बताएं, इसका महत्व बताएं जीवन में, जीवन में इसकी क्या महत्ता है। सर आज के बेरोजगारी के युग में संस्कृत एक व्यावसायिक भाषा हो सकती है। बिल्कुल, इसमें आयुर्वेद है, इसमें हमारा ज्योतिष शास्त्र है, इसमें वास्तु शास्त्र है, इसमें औषधि विज्ञान है, जो अध्यापन तो इसमें है ही, लेकिन और बड़े विकल्प हैं। आजकल तो अनुवाद के लिए भी पद जो है स्थापित किए जा सकते हैं कि संस्कृत से हिंदी और अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जा सकता है, तो इसे हमें व्यावसायिक रूप में भी देखना चाहिए जी। ठीक है, बिल्कुल जो देखना चाहिए और किया जाना चाहिए व्यवसाय के साथ। बल्कि एक पक्ष हाँ, इसके ऊपर हमने अभी बात नहीं की है, वो है कंप्यूटर और संस्कृत की। सभी लोग कह तो देते हैं कि कंप्यूटर और संस्कृत का बड़ा संबंध है और संस्कृत बड़ी उपयुक्त है, लेकिन पता किसी को नहीं है कि भी संस्कृत किस तरह से उपयोगी है, कंप्यूटर के लिए कैसे उपयोगी है। और अभी तक जितना काम हुआ है वो कंप्यूटेशनल संस्कृत के नाम से हुआ है कि संस्कृत के लिए कंप्यूटर कैसे उपयोगी है, लेकिन वाइस वर्सा बात में आप लोगों के साथ इस बात को बड़े ध्यान से समझने की आवश्यकता है। देखिए, दो पक्ष हैं संस्कृत और कंप्यूटर को लेकर के, और उससे नौकरियों की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं पड़ने वाली किसी भी संस्कृत के लिए। देखिए, दो पक्ष हैं इसके, एक तो ये है कि कंप्यूटर संस्कृत के लिए क्या कर सकता है। जितना भी काम हो रहा है हैदराबाद दिल्ली में या वहां उधर चेन्नई वगैरह में, वो सारा का सारा अभी तक इस पक्ष से हो रहा है कि कंप्यूटर को संस्कृत के लिए कैसे उपयोग किया जाए और तुरंत एसएस सिस्टम कैसे बन सकता है आदि आदि, ये सारी चीजें हैं। और बड़ा सुंदर काम हो रहा है, बड़ा उपयोगी काम है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिन लोगों ने ये काम किया है वो निश्चित रूप से प्रशंसा के अधिकारी हैं और मेरे प्रणाम के भी अधिकारी हैं। लेकिन संस्कृत कंप्यूटर के लिए कैसे उपयोगी है, इसके ऊपर आप मुझे एक भी चीज बताएं जो अभी तक की गई। हाँ, इसका तरीका ये है कि जब आप व्याकरण, नव्य न्याय,
साहित्य शास्त्र का वो पक्ष जिसमें शब्द और अर्थ आदि के गुण दोष के ऊपर चर्चा होती है, मीमांसा, इन चार चीजों को उठा करके जब आप बच्चे को ट्रेन करने लगते हैं कि प्रोग्रामिंग कैसे की जानी चाहिए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आपको किस तरह से चीजों को बनाना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि एम्बिगुटी को, अस्पष्ट अर्थता को कैसे आपने हैंडल करना है, इन चार शास्त्रों के आधार पे तब आपके लिए नौकरी है, तब आप कंप्यूटर के लिए संस्कृतज्ञ उपयोगी होगा। अन्यथा कंप्यूटर संस्कृत के लिए तो उपयोगी हो जाएगी लेकिन संस्कृत कंप्यूटर के लिए उपयोगी नहीं हो पाएगी। लेकिन हम कहां समझ रहे हैं, झंडे के एक नारे के नाम पर हम दे रहे हैं कि भाई कंप्यूटर के लिए सबसे उपयोगी भाषा, बताओ तो सही ना। आप कभी एल्गोरिदम संस्कृत में बनाए, पाणिनि नहीं बना रहा है, लेकिन हम बच्चों को कभी कहते नहीं कि यार पाणिनि ने इस तरह से एल्गोरिदम उसके इस तरह से बनाते हैं, आज उसके लिए प्रोग्रामिंग के लिए इस तरह का एल्गोरिदम बनाने। बच्चों को अगर आप पार्सिंग और टैगिंग भी सिखा देंगे ना तो बच्चे को नौकरी कहीं नहीं जाती। लेकिन कौन लैंग्वेज लैब एस्टेब्लिश करे, कौन उनको ये प्रेरित करे, ये दायित्व तो किसका है, संस्कृतज्ञों का तो दायित्व है। प्रिंसिपल्स को क्या पता, प्रिंसिपल्स को नहीं कुछ भी पता होता ज्यादा, उन्हें तो सारा कॉलेज देखना होता है, जो जहां से पैसा आएगा, जहां से उनको मान सम्मान उनके कॉलेज को मिलेगा वो करेंगे, वो बिल्कुल उचित कर रहे हैं। लेकिन ये तो जिसका क्षेत्र है वही ज्यादा समझ सकता है ना। जैसे आपका क्षेत्र है, आप काफी वेबिनार्स में मैंने देखा है, जागरूकता के प्रयास कर रहे हैं आप, मैंने काफी आपके वक्तव्य सुने भी हैं। जी सर। तो डॉक्टर साहब ऐसा है कि ये जो भारतीय संस्कृति है के माध्यम से ही, तो मैंने एक कट गया जी, नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। खैर पीयूष जी आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि हम इसके बाद लगभग 12:15 के गोष्ठी का समापन करेंगे, तो क्योंकि ये एक प्रथम प्रयास ही है इस तरह से। इस मैं अपनी बात पूरी कर लूं? हाँ जी प्लीज सर। मैं एक बात कर रहा था आपसे, मैंने बहुत वर्ष पहले, मैं डॉक्टर साहब पिछले 40 वर्षों से संस्कृत के प्रयास कर रहा हूं कि किस तरह ये अपने लोगों तक पहुंचाई जा सके। तो मैंने अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र का जिक्र भी किया आपसे, उसके केंद्र भी हमारे फरीदकोट में चल रहे हैं जी। ये तो बड़ा महनीय था, बहुत वर्ष पहले, प्रणाम के योग्य भारत में है, आप प्रणाम के योग्य हैं सर, आपके एफर्ट्स। सर सुन पा रहे हैं आप मेरी बात? हाँ जी, हाँ जी सर सुन पा रहा हूँ। हाँ सर, मैंने निवेदन किया था कि मेरा स्लोगन है एक, भारत के हैं तीन आधार जी, संस्कृत, संस्कृति और संस्कार। तो इसके माध्यम से हम तीनों को अगर समावेशित कर सकें जी सर, और इसके माध्यम से हम संस्कृत का विकास कर सकें, तो बहुत ज्यादा लोगों के साथ हम जुड़ पाएंगे जी। बिल्कुल ठीक है, इन तीन चीजों को तो हमें रखना ही पड़ेगा ध्यान में, क्योंकि ये तीन पिलर्स हैं, तीन इसके खंभे हैं जिसके और इनका अंतर संबंध भी रहता है इनका। हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, मैं सहमत हूँ आपकी बिल्कुल इस चर्चा से, इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और वाकई आपके जो प्रयास रहे हैं वो बड़े भगीरथ प्रयास हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, बाकी वो एक्नॉलेज किए जाने चाहिए, इसलिए नहीं कि मैं कोई प्रशंसा, मैं भी आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन ये है कि दूसरों के लिए एक उदाहरण है, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी ये एक बड़ी प्रसन्नता की बात है, मेरे लिए उत्साहवर्धक बात है कि एक व्यक्ति 40 वर्ष से निरंतर विपरीत परिस्थितियों में भी वो संघर्ष कर रहा है संस्कृत के लिए और उसको स्थापित कर रहा है, तो इससे बड़ी बहुत, मेरे बहुत, लिए क्या धन्यवाद, गर्व की बात हो सकती है जी। और कोई, पीयूष जी आप कुछ कहना? धन्यवाद। पीयूष जी ने जो आवाज नहीं आ रही पीयूष जी की, और भी कोई अपनी बात रखना चाहे खुले रूप में, कोई दिक्कत नहीं है, समय को व्यर्थ ना जाने दें कृपया, क्योंकि समय का उपयोग संस्कृतज्ञ की सबसे बड़ी विशेषता है, एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, कृपया अपना वक्तव्य रखिए, आप सहमत हैं असहमत हैं, जो भी पक्ष आपको उचित लगता है वो रखिए अपनी बात।
और फिर हम 12 बजे लगभग जो है इसको समेटेंगे सारी चर्चा को। हाँ जी भाई सर, मैं एक जानकारी और ये जोड़ना चाह रहा था जी सर कि यजुर्वेद में जो अपना अध्याय 18 का मंत्र 24 और जो 25 है जी, एक में नाम से एक पुस्तक भी है, दरअसल ये जो हमारी यज्ञ वेदी बनती है उसको लेके जो है उसका वर्णन है उसमें, लेकिन जी वो जो है जब मंत्र हम पंडित जी बोलते हैं तो कई बार हमें उसका गहराई से जो उसका तज्ञ ना हो तो पता तो नहीं लगता जी, जी। ऐसे महाराष्ट्र में जो है मराठी भाषा में उसको जो है एक तरह से डिकोड करके उन्होंने एक पुस्तक लिखी और वो मराठी से फिर हिंदी में एक पुस्तक लिखी गई, जिसमें एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ कि गणित का बहुत बड़ा एक सूत्र है कि जो ओड और इवन नंबर की संख्याएं हैं, तो जो ओड नंबर की संख्याएं हैं अगर हम 5 का वर्गमूल निकालें तो हम सबको पता है कि 25 आएगा, तो वो जो 5 ओड नंबर की संख्याएं हैं उनका अगर हम उन सबको जोड़ेंगे तो वो 25 आएगा। इसका अर्थ क्या है, वो उसके अंदर जो है ये जो यजुर्वेद का मंत्र है उसके अंदर जो है ये सारी जानकारी दी है, उसको उन्होंने एक तरह से डिकोड करके और उसको जो है ये सारा इसमें जानकारी दी है, और भी उसमें गणित के बहुत सारे फार्मूले हैं जो कि हमारे ऋषियों ने इतने समय पहले वेदों में ये लिखा जी। मैंने इस संदर्भ में एक पुस्तक और भी है, अग्नि चयन, मुझे अब उनके लेखक का नाम नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने ये सारे फिगर्स दिए हैं कि जो यज्ञ वेदी का निर्माण होता है उसमें कितनी उसकी लंबाई चौड़ाई और किस तरह से गुणा भाग आदि करके पूरा मैथमेटिकल उसमें है वो। मेरा जी ये सुझाव ये भी है जो आप कर रहे हैं कि जितने भी हमारे ये जो ग्रंथ हैं जी, इस ग्रंथ सा जो है विज्ञान छिपा है कौन सा उसमें जो है जानकारी है जी, उसको भी सूचीबद्ध करके जो है वो सबके सामने आना चाहिए, ताकि जब कभी हम बात रखते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा रेफरेंस देखें, क्योंकि आज का समाज जो है ना वो रेफरेंस उदाहरण समझता है जी, तो वो ज्यादा देख के उसे पता लगे कि हमारे इन ग्रंथों में बहुत ज्ञान है, कोई एक गीत भर नहीं है जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही तो अपेक्षित है, मेरी इच्छा ये है और मैं तो इस प्रयास में हूँ कि सारे संस्कृत को दो भागों में बांटा जाना चाहिए, एक सैद्धांतिक पक्ष और एक उसका जो है व्यवहारिक या प्रायोगिक पक्ष। हर कॉलेज में एक संस्कृतज्ञ की एक लैब होनी चाहिए कि जो वो पढ़ाते हैं उसका वो प्रयोग भी करके देखें। जब आप वैशेषिक दर्शन पढ़ाएं या आप कुछ और कार्य करें तो उसके लिए आप एक प्रयोग करके देखें। आगे मैंने दिल्ली से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से जी जो है पुरोहित्य में डिप्लोमा किया, उस समय के हमारे वहाँ के वाइस चांसलर ये कह रहे थे कि मैं एक ऐसी यहाँ लैब बनाना चाहता हूँ, लेकिन भारत सरकार एक तरह से कुछ लोग बैठे थे जो उन्होंने अनुमति नहीं दी कि मैं यहाँ आह्वान करके साक्षात देवी देवताओं को यहाँ बुला सकता हूँ, ये मैंने स्वयं उनको सुना था उसका। हो सकता है इस तरह का वो कुछ प्रयोग करना, लेकिन इस तरह के प्रयोग के लिए तो भारत सरकार जो है वो आक्षेप नहीं लेगी ना कि नॉन रैशनलिस्ट होने का, और वो इस रूप में हो पता नहीं है क्या उन्होंने प्रपोजल दिया होगा, और लेकिन प्रपोजल हमेशा संगत युक्ति संगत होना चाहिए निश्चित रूप से। मैं यहाँ आप सबके बीच में ये भी जानकारी रखना चाहता हूँ जी सर, दिल्ली में 40 देशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें विशेष रूप से महर्षि महेश योगी जी से जुड़े हुए लोग आए हुए थे, और यहाँ 3 उस सम्मेलन में मुझे भी रहने का मौका मिला, और उसमें उन्होंने महर्षि इफेक्ट नाम से एक जानकारी दी, हमने रमन इफेक्ट पढ़ा है हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मैं की बात जो है उसमें उन्होंने बताया कि अमेरिका के जो है एक शहर में उन्होंने जो 1972 में एक प्रयोग किया और 7000 जो है ब्राह्मणों के द्वारा जो है वहां पर रुद्राष्टाध्यायी पुरुष सूक्त का पाठ किया गया, तो वहां देखा गया कि कितना क्राइम रेट वहां घट गया और वो सारे शहर का जो एक शक्तिपुंज है जो ओरा बना उससे लोग पर एक सात्विक जो है वो प्रभाव बना और वो बाद में उसको मान्यता मिली। तो मेरा ये कहना है कि बाहर जब ये प्रयोग होते हैं तो वहां से तो हमें पता लगता है,
लेकिन अपने देश में जो उसका मूल है वहां हम कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। यही तो है सर, पिछले 70 सालों में हमने स्वनिंदा से अतिरिक्त और कुछ सुना ही नहीं ना। अपने प्रति हमें जो है वो लज्जा का भाव तो 70 सालों में मिला ही मिला है। कहां वो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इतना जोश था, इतना उत्साह था, इतना उमंग थी, और उसके बाद वो सिर्फ निंदा ही निंदा हमारे हाथ लगी, और विशेष रूप से संस्कृत के हाथ। अच्छा, जो पिछले 70 साल की बात कर रहे हैं, दो बातों में ही जीवन उलझ के रह गया जी, एक औद्योगिकरण, और दूसरा उपभोगवाद। ठीक बात है, इसी में सब निकल गया जी। जी, इसी संघर्ष में उलझ गए हम लोग। तो हमें तो आध्यात्मिकता की ओर भी जाना पड़ेगा, हमें तो प्राकृतिक जो तत्व है, पंच तत्व है, उनको तो पहले पहचान ले, बाद की बात है। डॉक्टर साहब, बल्कि आपने ये शब्द इस्तेमाल कर दिया, मुझे एक ध्यान आया कि मैं आध्यात्मिकता शब्द को सामान्य रूप से जब इनके बाकी लोगों से बात करता हूँ तो इसको अवॉइड करता हूँ, क्योंकि इससे कंफ्यूजन हो जाता है लोगों के दिमाग में, वो स्पिरिचुअलिटी शब्द घुसा हुआ है। तो उसके लिए मैं प्रयोग जो करता हूँ ना, वो स्वस्थ मानसिकता की बात करता हूँ कि भाई स्वस्थ मानसिकता के बारे में तो हम बात कर सकते हैं। तो, क्योंकि उससे ना अब हम सबके साथ स्थिति ऐसी बन गई है कि एक और अंग्रेजी ने ऐसा दबाव डाल दिया है कि आदमी सोचने भी अंग्रेजी में लग गया है, संस्कृत वाले भी अंग्रेजी में ही सोच रहे हैं जब हम इसके ऊपर। तो उसी तरह की कंस्ट्रक्शन जो है वो भाषा का, वो उसी तरह का स्ट्रक्चर पैदा करने लग गए हैं, और उससे बड़ी गड़बड़ हो गई कि संस्कृत को संस्कृत के रूप में ही देखा जाना चाहिए। हाँ, अंग्रेजी में उसकी अभिव्यक्ति जरूर हो। आप पीयूष जी, जल्दी से आप अपनी बात हमारे साथ शेयर करें। सर, सर मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? आवाज सुन रहे हैं सर मेरी? बिल्कुल सुन रहा हूँ। हेलो सर, मैं ये कहना चाहूंगा, सभी विद्वत जन को मेरा नमन। अभी मैंने 85 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आज हमने जो कार्यक्रम रखा था ये संस्कृत अज्ञों के लिए विशेषकर रखा था, ठीक है। और सबसे बड़ी समस्या जो है संस्कृत अज्ञों की, इन बुद्धिजीवियों की, कि संस्कृत अज्ञ अधिकतर नहीं जुड़े हुए। इसमें से 70% लोग संस्कृत अज्ञों से बाहर के लोग हैं जी, क्योंकि संस्कृत अज्ञ व्यक्ति विचार नहीं रखता, वो बात ही नहीं करना चाहता, अपनी समस्या नहीं है। गंभीर विषय ये है कि जो भी सर्वे आ रहे हैं, जिसका फीडबैक भरवा रहे हैं, उसमें हमारा पहला प्रश्न था कि क्या आप जो संस्कृत का प्रचलित पाठ्यक्रम है उससे संतुष्ट हैं? सभी लोगों ने कहा हाँ, अधिकतम उसमें 60% लोग कह रहे हैं हाँ। और हमारा दूसरा प्रश्न था कि भी आप संस्कृत के पाठ्यक्रम का नवीनीकरण चाहते हैं, तो लोगों ने कहा, 93% लोगों ने कहा हाँ। तो इसमें दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है, और कमाल ये है सर कि ये लोग जो हैं कहीं भी अपनी भूमिका अदा नहीं कर रहे हैं। और तीसरा विषय यदि मेरी सुन रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि भी यहाँ पोस्ट खत्म होगी या ये खत्म होगी, ये चीजें तब जागृत होती हैं और तब हम जागते हैं जब सरकार उस पर एक्शन लेती है। जैसे एक मैं JNU का उदाहरण दे रहा हूँ, 2004 में वहां पर विभाग खुला और वहां वामपंथियों ने इतना उसका विरोध करा, परंतु वहां के अथक प्रयासों से, जैसे प्रोफेसर कृष्णा झा जी ने आज जो वहां पृष्ठभूमि तैयार कर दी है एक संस्कृत क्षेत्र की, जिसके कारण वहां पर एक पूरा स्कूल बन गया है डिपार्टमेंट की जगह, कि आज वहां का वाइस चांसलर प्रोफेसर जगदीश भी संस्कृत विभाग को लेके चलते हैं और कहते हैं कोई भी काम होगा तो सबसे पहले उसका इनिशिएटिव संस्कृत विभाग को जाना चाहिए, संस्कृत विभाग आगे बढ़कर करे। क्यों? उन्होंने JNU की एक मार्केटिंग हब बनाया है, जिसके कारण आज हर कोई कोलैबोरेशन के लिए JNU के पास आ रहा है। वहां 20 से अधिक विदेशी यूनिवर्सिटी संस्कृत डिपार्टमेंट के साथ काम कर रही है। कारण सिर्फ एक है उसका, जो मुझे लगा, वहां के प्रोफेसर्स ने अपने बच्चों को अपने साथ लेके काम करा, और हम जो, मैं भी उनका एक छात्र हूं, और जब मैं और गुरुओं का भी छात्र रहा हूं, यहां के जो हमारे पुराने गुरुजन हैं, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, वो अपने बच्चे को हाईलाइट करना ही नहीं चाहते, उसको सोचने की शक्ति प्रदान ही नहीं करते, वो उसको कहते हैं गुरु को मानो, गुरु की मत मानो। उसी कारण क्या है, संस्कृत वाला बच्चा सोच नहीं पाता, जब वो रिसर्च करके निकलता है समाज को क्या योगदान देना है, उसको ये सोच नहीं है, वो केवल ये करता है कि बस मेरे को अपनी नौकरी लेनी और बात खत्म। नौकरी लेने के बाद वो बिल्कुल अपने कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। इस कारण कुछ एक ये समस्याएं हैं जिसके कारण संस्कृत अज्ञेय, इतना संस्कृत में ज्ञान निहित है। अब मैंने एक रामायण देखी सर,
मैं रामायण का उदाहरण देके अपनी बात को समापन करूंगा। रामायण में रावण जब सीता माता को लेके जाते हैं तो वो जो वाहन वाहन में लेके जा रहे हैं उस पर एक पक्षी बना हुआ है जी, और वो पक्षी जो है वैसा जो वैमानिक शास्त्र है भारद्वाज प्रकरण का, उसमें वैसी कल्पना वैसी संरचना नहीं बताई गई है उन श्लोकास में। तो क्या जब ये रामायण आई थी इतने संस्कृत के पंडित इतने संस्कृत के महाविद्वान लोग थे, क्या उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते थे कि इस प्रकार की संरचना नहीं की, ये आप इसको ऐसे रिफ्लेक्ट करिए ऐसे ग्रंथ में बताएं, तो संस्कृत वाले की वो स्वयं की जिम्मेवारी होनी चाहिए। और संस्कृत वाले की समस्या ये है सबसे बड़ी बात, कोई बात नहीं रखता, हमारे फीडबैक परफॉर्मेंस में हमने एक प्रश्न करा था कि आपने संस्कृत के लिए राज्य सरकार भारत सरकार को कोई भी अपनी प्रतिक्रिया अथवा क्रिया प्रकट करी है, सबके लोगों ने कहा 70% करी है, और 70% का जवाब ये आया सिर्फ कि हमने जी अपनी नौकरी बचाने के लिए मांग करी, हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ। अरे भैया मैंने प्रश्न करा है कि संस्कृत के लिए, संस्कृत की डेवलपमेंट के लिए, संस्कृत की मार्केटिंग वैल्यू के लिए आपने क्या करा है, वो सिर्फ जिहाद के लिए वो कर रहे हैं। मेरा आक्रोश नहीं है, मेरा विरोध भी नहीं है, एक सच्चाई है कि संस्कृत वाला बात ही नहीं करना चाहता, और ये संस्कृत को खत्म करने वाले हम स्वयं के लोग हैं यदि उसको मार्केटिंग हब नहीं। अब देखिए मैं कुलकर्णी मैडम को उद्याहरण देता हूँ जो हैदराबाद से हैं, यद्यपि वो मैथ के प्रोफेसर हैं लेकिन संस्कृत में इतना आकर्षण हुआ इनका कि संस्कृत पढ़ा, संस्कृत के प्रोफेसर बनी, और आज मैथ और संस्कृत का संबंध स्थापित करके इतने सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं और इतना संस्कृत का काम हो रहा है, लेकिन उनको लोग नहीं सुनना चाहेंगे। जो पुरातन संस्कृत के पंडे हैं वो उनका उपहास करते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन संस्कृत को तो किसी तरह जमाना ही है ना हमें। और अभी मेरी सबसे निवेदन है और सबसे आगे भी निवेदन है कि जो हमारा फीडबैक है उससे आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और इसका जगह जगह प्रचार करिए जिससे कि हम भारत सरकार को ये अपना फीडबैक आप आवाज के रूप में वहां सबमिट कर सकें। और दूसरी बात, हर कोई जो संस्कृत आयोग के नाम पर कमरा बनाया राष्ट्रीय में जिस बहुत ग्रांट आती है, कभी कभी जाएं और अपनी प्रतिक्रिया क्रिया रखें। और मैं आपको उसके बारे में एक बात और बता दूं, जब एक गोपनीय विषय है कि भारत सरकार ने जब उसके 3-4 साल हो गए द्वितीय संस्कृत आयोग के, तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूछा आपने संस्कृत के नाम पर क्या डेवलपमेंट करी, क्या आपके रिजल्ट्स आए, क्या आपने सर्वे कराया, तो केवल संस्कृत के पंडितों ने एक बात की कि संस्कृत को रेगुलर कर दो। तो माननीय मोदी जी का ये प्रत्युत्तर था, क्या कहता है भैया हमारे यहाँ हजारों भाषाएं हैं, हजारों बोलियां हैं, तो 22 कॉन्स्टिट्यूशन भाषा वाले भी कह देंगे कि सारे देश में यही रेगुलर कर दो, यही नियमित कर दो संस्कृत। मैं किस को जवाब दूंगा, आप अपना सर्वे बनाइए, कोई रिजल्ट बनाइए, कोई उसकी मार्केट वैल्यू बनाइए, अर्थ संगता बनाइए, तो संस्कृत वालों को कोई जवाब नहीं आया। वहां केवल संस्कृत वाले लोग पदाधिकारी बन गए, जो पुराने लोग हैं मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, और वो अपना पद भोग रहे हैं, उसके नाम से ग्रांट्स भोग रहे हैं, लेकिन संस्कृत वाले ने कोई काम नहीं किया। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्षमा याचना। धन्यवाद पीयूष, डॉक्टर पीयूष जी बिल्कुल सही थी, और मैं आप लोगों के साथ ये शेयर भी करना चाहूंगा कि कल हमने एक सर्वे फॉर्म भेजा था, और अभी भविष्य में हम कुछ और सर्वे फॉर्म्स भी भेजेंगे जिसमें अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे कि आप अगर अपने कर्मों का मूल्यांकन करना चाहते हैं कि कितने प्रतिशत आप सात्विक कर्म करते हैं, कितने तामसिक और राजसिक कर्म हैं, या अपने व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना चाहते हैं कि आपका व्यक्तित्व जो है वो कितने प्रतिशत सात्विक है और कितने प्रतिशत तामसिक आदि आदि, इस तरह के कुछ हमने प्रश्नावलियां बनाई हैं, वो आप लोगों को भेजेंगे। कल जो भेजा था वो एक सामान्य एक मूल्यांकन प्रक्रिया थी। अब आप देखिए ना कि कितने विरोधाभास उसमें कितने कैजुअली उत्तर दिए गए हैं, और हमें बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी थी उन प्रश्नों को बनाने में। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि भाई संस्कृत के वर्तमान पाठ्यक्रम से संतुष्ट है, दूसरी तरफ आप ये कह देते हैं कि भाई हाँ इसमें नवीनीकरण भी किया जाना चाहिए। आप दो विरोधाभासी बातें कैसे एक साथ कर रहे हैं? जब आपसे पूछा जाता है कि आपने कोई नीति बनाई, कोई नीति निर्देश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा, तो आप ये कह देते हैं कि आपके मन में शायद ये होता है कि हमने जी लिखा कि भाई सरकार जो है संस्कृत को कंपल्सरी कर दे। क्यों कर देगी कंपल्सरी? हरियाणा में भी पीछे गीता को कंपल्सरी करने की बातें चली, कौन ऐसे कंपल्सरी कर देने पर जो है पढ़ेगा? सरकार अपने विरोध खड़ा कर लेगी उसका अनावश्यक। हाँ, लेकिन
अगर आप उसको प्रश्नोत्तर रूप में बना देते हैं कि आओ गीता के आधार पर आप अपना मूल्यांकन करें, व्यक्तित्व का मूल्यांकन करें, आप देखें आप में कितनी व्यक्तित्व में कितना योग है, योग की क्षमता कितनी है, चलो मूल्यांकन करते हैं। आप अपनी जो स्थित प्रज्ञता है उसका मूल्यांकन कीजिए, दीजिए ना, कौन मना कर रहा है आपको। लेकिन वो नहीं देंगे, गीता पढ़ा दो सारे, क्या होने वाला है उससे? आप अनावश्यक समाज में एक हिंसा का वातावरण पैदा कर देंगे। इसलिए मतलब वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, वो अभी उसको हम फाइनल कर लें, सारे डाटा को, वो सारा डाटा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और भविष्य में भी मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारा थोड़ा सा सहयोग करें कि जितने क्वेश्चनर्स हम भेजें, लगभग 7-8 के करीब हम लोग एक एक करके भेजेंगे, क्योंकि उनको फिर कंपाइल भी करना होता है, उनके टोटल एवेल्युएशन भी हम देखेंगे, तो उसको आप भरिए और देखिए कि उस तरह से आप लोग भी कुछ मूल्यांकन पद्धतियां उस तरह की विकसित कर सकते हैं। मान लीजिए कि इस वक्त समाज में जो भय का वातावरण बना हुआ है, कि कम से कम आप उसी को आधार बना करके कुछ देख लीजिए कि मनस्वस्थता, चलिए यही एक विषय हम ले लेते हैं। और मैं आप सभी संस्कृतज्ञों से निवेदन करता हूं कि मनस्वस्थता का एक प्रश्नावली आप बनाए अपने शास्त्रों के आधार पर और वो आप भेजें। आपको किसी तरह की टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, पीयूष जी साथ हैं, मैं आपके साथ हूं, जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे। लेकिन एक प्रश्नावली आप में से चाहे मिलके बनाए, एक व्यक्ति बनाए, चाहे 5 प्रश्नों का बनाए, चाहे 2 का बनाए, चाहे 20 का बनाए, लेकिन एक मनस्वास्थ्य की प्रश्नावली आप संस्कृत शास्त्र के आधार पर बना दें। मैं समझता हूँ आप लोग हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार करेंगे और आपको भी पता लगेगा कि उसका किस तरह से उसका उपयोग होगा। कम से कम एक बार आपके पास मनस्वस्थता की प्रश्नावली होगी, उसके उत्तर आपके पास आ जाएंगे, तो आप सजेस्ट करने वाले तो होंगे ना कि भाई ये इसमें शोधन किया जाए, ऐसे संस्कार किया जाए, ऐसे उनकी काउंसलिंग की जाए, तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हम समापन की ओर चल रहे हैं, लेकिन मैं अंतिम टिप्पणियां आप में से हमारे साथ बोलिए सर, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ, सुन पा रहा हूँ। अभी एक बार सरकार ने 10,000 रुपए सभी स्कूल्स में दिया यूनियन टेरिटरी के, और उसमें क्या करा कि भी आपने साइकोलॉजी के नाम पर ना बच्चों के इवैल्यूएशन टेस्ट कराइए जी, व्यक्तित्व का परिचय हो उसमें, मन स्वस्थता का। तो उसमें हमारे 116 स्कूलों में चंडीगढ़ वो 10,000 रुपए घूमे। तो हमने उसमें क्या करा, मैंने अपनी जो काउंसलर थी उससे बात करी, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ तो ना सिर्फ ना जो फ्रॉइड के होते हैं ना जो टेस्ट बने हुए हैं, केवल वही मात्र हम तो जो कराएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, आप वो फ्रॉइड के चलो ठीक है, लेकिन वो विदेशी कल्चर के हिसाब से बने हुए, देखकाल परिस्थिति हमारी भिन्न है, आप इन टेस्टों को इवैल्यूएट करवाइए। हमने वो जो आपने और हमने बनाए हैं संस्कृत के मनोविज्ञान आधार, सारे वैदिक विज्ञान के, लौकिक मनोविज्ञान के, हमने वो टेस्ट स्कूल के भी दूंगा। और हमारी जब मैडम ने उसको टेस्ट को अप्लाई करा तो उसने हमें बहुत थैंक्स करा, कहा वाकई सर कमाल, ऐसे बच्चों को कैसे हमें अपने को इवेल्युएट करना चाहिए और कैसे कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। तो उस प्रकार के यदि हम और अपने संस्कृत की बड़ी सामग्री निधि है उसको संस्कृत वाला मेहनत करके उनको उपलब्ध कराए, तो अवश्य ही एक संस्कृत की मार्केट वैल्यू बन सकती है। लेकिन ये इनिशिएटिव स्वयं संस्कृत को लेना पड़, संस्कृत अध्ययन को लेना पड़ेगा, भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा कोई कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद जी। ये बात ठीक है कि हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने व्यक्तित्व को खोलना होगा, अपने व्यक्तित्व का विकास करना होगा, तभी आगे जो है वो बात चल पाएगी। बीच में एक आदमी के मन में कोई प्रश्न था, यदि वो करना चाहते हैं तो जल्दी से इसको आप कर लीजिए ताकि हम सत्र को समापन की ओर ले चलें। और हमारे साथ यमुना नगर से डीएवी गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम आभा जी, आभा अग्रवाल, आभा खेत्रपाल जी जुड़ी हुई है, तो उनसे हम जो है इसका जो फाइनल कमेंट उनसे लेंगे
और फिर समापन की ओर अग्रसर। क्या आप संस्कृत के प्रचलित पाठ्यक्रम से संतुष्ट हैं? नहीं मैं तो बिल्कुल लोगों का क्या आप प्रचलित नवीनीकरण चाहते हैं? जी जी। क्या संस्कृत का प्रचलित पाठ्यक्रम बाजार की अपेक्षाओं के अनुकूल है? जी आप। क्या संस्कृत के पाठ्यक्रम में अभीष्ट परिवर्तन करके संस्कृत को रोजगार उन्मुखी बनाया जा सकता है? जी जी। क्या वर्तमान पाठ्यक्रम आधुनिक समस्याएं सुलझाने और समझने में किसी प्रकार सहायक है? जी। ये क्या वर्तमान पाठ्यक्रम आधुनिक समस्याएं समझने एवं सुलझाने में किसी प्रकार भी सहायक है? मैडम हमने ये कल प्रश्न आपको छात्रों के प्रति आजीविका के संबंध में कोई नैतिक उत्तरदायित्व है? मैडम ये सारे प्रश्न हमने कल भेज दिए थे, इनका उत्तर दीजिए। विद्यार्थियों को संस्कृत कंप्यूटर एजुकेशन अपेक्षित है? क्या प्रायोगिक संभाषण कक्षा के माध्यम से संस्कृत संपादन दक्षता का संपादन हो सकता है? मैडम चावला आप सुन पा रहे हैं? ये आधारित वनस्पति को पढ़ाकर पर्यावरण संरक्षण चावला है। मैडम चावला जी हाँ जी नमस्कार। सारे प्रश्न हमने सभी के माध्यम से मनोविज्ञान समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान ज्योतिष शास्त्र सभी का अध्यापन संभव है? जी जी मैडम। क्या वर्तमान कालीन हेलो मैडम चावला प्लीज हाँ जी इनको रहने दीजिए, इनकी अपेक्षा नहीं है। ये हमने भेज दिए थे, इनके उत्तर हमारे पास जो है वो आगे हुए हैं, पीयूसी उसको कंपाइल कर रहे हैं, वो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। तो भर दिया है। अंतिम टिप्पणी जिस जिसने भी करनी हो उसके बाद मैं मैडम आभा खेत्रपाल जी से जो प्रिंसिपल है डीएवी कॉलेज फॉर गर्ल्स यमुनानगर की, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी हम टिप्पणी लेंगे। यदि कोई अंतिम टिप्पणी बहुत संक्षेप में सटीक में करना चाहे। और पीयूष जी आपने वो लिंक डाल दिया सर्टिफिकेट का? हाँ जी सर मैंने डाल दिया है, डाल चुका हूँ। जी जी ठीक है सर। सर अंतिम टिप्पणी के रूप में मैं यही कहूंगी कि आप इसको रोकिएगा नहीं, ये बार बार ये विषय आना चाहिए और इसके ऊपर हम सब लोग कुछ ना कुछ अपने कार्य करते रहे। आप हमें हर तरीके से सहयोग देंगे सर, हमें कहीं ना कहीं निर्देश भी देंगे अगर हम नहीं समझ पाएंगे कि हमें कहाँ लेके जाएं। खुद आप लोगों से निर्देश लेने के लिए उपस्थित हूँ। मेरे पास तो प्रश्न है, उत्तर नहीं है मेरे पास। बेचारगी की स्थिति है सर, बेचारगी की। ठीक है मैम। अभी एक छोटा सा ये है टिप्पणी, छोटी सी संक्षिप्त जी कि इस शरीर रूपी रथ का जो संचालक है वो मन है, और मन को बच्चों के साथ परिवार के साथ प्रसन्न रखे, ये कोरोना अपने आप हार जाएगा। ठीक है ठीक है। चलिए अंतिम अब जो है मैं कंक्लूडिंग कमेंट्स के लिए मैं डॉक्टर आभा खेत्रपाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मैडम बात सुन पा रहे हैं तो उसको हम समापन करेंगे, लेकिन ये समापन जो है वो ये आरंभ करने के लिए है, बल्कि इसको ये है कि यहाँ पर हम रोक रहे हैं और भविष्य में हम और इससे अलग अलग विषय लेंगे उनको। मैडम आभा खेत्रपाल जी मैडम आप सुन पा रही हैं बात? सर वेबिनार की सार्थकता केवल प्रमाण पत्र तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। जी जी मैं प्रमाण पत्रों का तो मैं तो फैन नहीं, मैं इसमें अधिकतर देखता हूँ सर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो शुरू में ही टाइप करने लग जाते हैं कि सर फीडबैक नहीं मैं भेज दीजिए। लेकिन डॉक्टर मैं आपको बताऊं, मैं तो ये कहता हूं कि भाई आप प्रमाण पत्र ले जाइए और आपका धन्यवाद। मुझे सर कई होते ना पार्टिसिपेंट सर शुरू में ही मांग कर लेते हैं। बिल्कुल मैं जानता हूँ सर इन सब। नमस्कार सर। हाँ जी मैम। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। हाँ जी सर, एक तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी सर, यू आर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। जी मैम। सो यू आर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन बिकॉज़ द नंबर ऑफ वेबिनार्स एंड द नंबर ऑफ डिस्कशंस यू कंडक्ट, इतने एलीट रिसोर्स पर्सन सर आपके पास आते हैं, यू आर टचिंग ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ whatever is required in this era of pandemic. And of course, as you rightly said, Sanskrit is the basis of all
हिंदू टेक्स्ट एंड जो भी हम रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ते हैं सर। जी मैम। एंड मैंने भी सर आठवीं तक पढ़ी हुई है संस्कृत, एट्थ में पढ़ी थी जी। एंड इट्स अ वेरी इट्स अ वंडरफुल लैंग्वेज, इट्स अ वेरी बेसिक लैंग्वेज, वेरी इजी लैंग्वेज, इट कनेक्ट्स यू टू योर रूट्स, जो जितना मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ। एंड वंस अगेन सर कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द वंडरफुल डिस्कशन, इतनी इंटरैक्टिव रहता है आपका सेशन कि कुछ आप छोड़ते नहीं है कि हम कोई क्वेश्चन पूछ सकें। थैंक यू मैम, ऐसा तो नहीं, पहले तो अपने प्रश्न नहीं खत्म होते तो खुद नहीं सर, आपके रिसोर्स पर्सन सब इतने इनलाइटेंड होते हैं that we have no questions which are left unanswered and wonderful present this thing webinar. Thank you so much ma'am. And I must congratulate Mr. Piyush. I think he regularly sends us the link, not once not twice but again and again till we log in. Unko lagta hai bhi kai bari pareshani ho jati hai network ke karan. Ji ji ma'am. And he is very very particular as a part of your team. Bilkul Mr. Piyush Agarwal I think. जी जी, जो उनका सहयोग और समर्थन ना हो तो मैं तो इसमें से आधा भी ना कुछ कर पाऊं, क्योंकि वो मुझे इन चीजों से मुक्त रखते हैं तो मैं इधर का देख पाता हूं। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हां जी, कांग्रेचुलेशन सर, वंडरफुल, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए भी धन्यवाद है, और फाइनल कमेंट्स करने के लिए भी आपके धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मैं। एंड सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू फॉर द सर्टिफिकेट। ओके जी मैम, थैंक यू सर, एक बार थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग। चंचल शर्मा जी, जी लिंक भेजना सर एक बार फिर, दोबारा ले लीजिए, वो दे देते हैं वैसे उसमें चैट बॉक्स में है। मैं इस आज की संगोष्ठी को यहाँ पे पूर्ण करना चाहूंगा। देखिए मैं वैदिक संस्कृति में तीन बच्चे हैं, मैं अगर प्रभावित हूँ जीवन में या अपने को आइडेंटिफाई करता हूँ या किसी से प्रेरित अनुभव करता हूँ तो उन तीन बच्चों से प्रेरित अनुभव करता हूँ। उनमें से पहला तो नचिकेता है, जिसने अपने पिता के कर्मों को देखा और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं जाहिर की, उसके बदले में उसने प्रश्न किया कि आप मुझे किसको दान में देते हैं। इस प्रश्न ने मेरे चेतनों में अपना बड़ा गहरा स्थान बनाया हुआ है, और मुझे लगता है कि वो बच्चा अगर यमराज तक जा सकता है तो हम लोग तो बहुत आगे तक चल सकते हैं। दूसरा जो मुझे बच्चा जिसने बालक जो मुझे हमेशा प्रेरित करता रहा है वो है सत्यकाम जाबाल, जिसने अपनी माँ से जाकर के ये पूछा कि मेरे पिता कौन है, और उसकी माँ ने जो उत्तर दिया कि मैंने तुम्हें घरों में काम करते हुए प्राप्त किया, और उसका गुरु उसे स्वीकार कर लेता है कि तुमसे तुमने क्योंकि सत्य बोला है और सत्य बोलने की क्षमता किसी में हो सकती है, किसी ब्राह्मण में हो सकती है, मैं तुम्हें ज्ञान के लिए स्वीकार करता हूँ। और तीसरा जो बालक है वैदिक संस्कृति का वो है श्वेत केतु। जब उसके पिता ने ही उसको पूछ लिया कि जो तुम पढ़कर आए हो क्या तुमने वो जान लिया जिसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है, ये प्रश्न ये तीन बालक आज भी मेरी चेतना को जगाए रखते हैं, ये ही मुझे परिभाषित करते हैं। मेरे पास आज भी ये उत्तर नहीं है, मेरे पिता आज भी मुझसे पूछ लेते हैं कि जैसे ही वो कहीं पर मुझे लगता है कि बात समझ में आ गई तो प्रश्न ये आ जाता है कि क्या तुमने वो जान लिया जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता, तो मेरे पास कुछ उत्तर नहीं होता सिवाय अग्रसर होने के लिए कि नए आयामों की तलाश की जाए, नए संदर्भों की तलाश की जाए और फिर उनमें सुसंगतता बिठाने की कोशिश की जाए। तो ये मैं चाहता हूँ कि संस्कृत को ये तीन बालक परिभाषित करते हैं, अन्य कोई व्यक्तित्व परिभाषित नहीं करता, और इन्हीं से मैं प्रेरित हूँ, और आप लोगों को भी मैं चाहूंगा कि इन तीन बालकों से हमेशा अपने को परिभाषित करने का प्रयास करें। आज के लिए जो कुछ हम कर सकते थे, जितनी भी बात कर सकते थे वो हमने की है, लेकिन इससे हमने नई संभावनाओं की तलाश की है। और अगला जो मैं विषय रखना चाहूंगा वो भी चर्चा का एक विषय कि संस्कृत भाषा विचार और जो साहित्य है उसकी दशा दिशा के ऊपर हम विचार करेंगे, और इसके साथ कुछ सेमिनार्स वेबिनार्स और रहेंगे कंटिन्यूटी में आगे,
अलग अलग विषयों के ऊपर, भारतीय प्रतीक विद्या पे, भारतीय ज्ञान मीमांसा पे, वो आपको मैं सूचित करता रहूंगा समय समय पर, आप लोगों तक सूचना मिलती रहेगी। आप लोगों से निवेदन करूंगा कि उसमें आप जुड़ें और अपने वैचारिक योगदान हमारे साथ शेयर करें। और इससे पूर्व कि मैं आप सभी को विसर्जित होने के लिए निवेदन करूं, पीयूष जी सभी के फीडबैक वगैरह पूरे हो गए हैं, सभी ने लिंक भर दिए हैं? यदि किसी का कोई लिंक रह गया हो तो प्लीज अपना भर लीजिए, और ईमेल को ध्यान से भरिएगा क्योंकि ईमेल में हमेशा गड़बड़ होती है और फिर आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आप तक नहीं पहुंच पाते और फिर हम लोग जो है उसमें बड़ी दिक्कत आती है, समय भी व्यर्थ होता है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोग इस मीटिंग को छोड़ सकते हैं। तो मैं इस सभा का विसर्जन करता हूं, आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया, अपना मूल्यवान समय हमारे साथ शेयर किया, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, नमस्कार जी, नमस्कार, थैंक यू सो मच, थैंक यू।